नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गोल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। लक्ष्य 2007 हिंदी फिल्म। धन धना धन लक्ष्य अंग्रेजी। गेट सेट गोल 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण रॉनी स्क्रूवाला ने किया है और यूटीवी मोशन पिक्चर्स के लिए विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित है। फिल्म में जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी और बोमन ईरानी हैं। फिल्म के साउंडट्रैक को प्रीतम ने कंपोज़ किया है और बोल जावेद अख्तर के हैं। धन धना धन लक्ष्य यूके में दक्षिण एशियाई समुदाय की एक समकालीन काल्पनिक कहानी है। पेशेवर फुटबॉल के चश्मे के माध्यम से बताया। हालांकि इस कहानी की प्रेरणा पूर्व आर्सेनल और बार्सिलोना के दिग्गज जुड़न अली के संघर्षों पर आधारित थी, जो कि सिक्स उड़ान अंग्रेजी फुटबॉल में सेंध लगाने के प्रयास को नस्लवाद की गंभीर लहरों से अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसे उन्होंने एक किशोर के रूप में सहन किया था। 23 नवंबर 2007 को रिलीज होने पर फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर केवल मामूली रूप से सफल रही और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे औसत घोषित किया गया। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के कान फिल्म समारोह के टूसलेस सिनेमाज डू मोंडे विश्व सिनेमा खंड में किया गया था। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित, अनुराग कश्यप, रोहित मल्होत्रा, विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा निर्मित, रोनी स्क्रूवाला अभिनीत, जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी, शहनाज पटेल, जुड़न अली, छायांकन अत्तर सिंह सैनी द्वारा संपादित, हेमल कोठारी, संगीत दिया है गाने प्रीतम, बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, उत्पादन कंपनियां एम फिल्म्स, यूटीवी मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित, यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 23 नवंबर 2007, कार्यकारी समय 167 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड जयदेव और कविता भसीन, साउथ हॉल इंग्लैंड में अपने बेटे सनी के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन शैली जीते हैं। 80 के दशक के मध्य के दौरान जयदेव अखिल एशियाई साउथ हॉल फुटबॉल क्लब का बहुत बड़ा प्रशंसक था और उनकी टीम इतनी सफल रही कि इसने मुख्य धारा की कुकिशान टीमों का विरोध करने से घृणा पैदा की, जिन्होंने जयदेव और टीम के स्टार खिलाड़ी टोनी सिंह पर हमला किया। इसने टीम के अंत की बर्तनी की और फिर जमीन को शादियों और जन्मदिन पार्टियों के लिए किराए पर लिया गया। जयदेव चाहते थे कि सनी साउथ हॉल के लिए खेले, लेकिन सनी ने खुद को ब्रिटिश मान लिया और एस्टन फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए। जब चयन का समय आता है तो सनी, जिन्हें अक्सर पाकी कहा जाता है, को दरकिनार कर दिया जाता है। नाराज होकर वह साउथ हॉल क्लब में शामिल हो गया और वह और कप्तान शान अली खान, साथ ही कोच टोनी सिंह ने टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने सहित कई जीत दिलाई। हालांकि साउथ हॉल टीम गेटविक के खिलाफ खेलने का इरादा रखती है, इससे ठीक पहले उन्हें खबर मिलती है कि सनी एक फैंसी स्पोर्ट्स कार, 4 बेडरूम की हवेली, एक सुंदर हस्ताक्षर राशि और एक उदार साप्ताहिक वक्ता के बदले एक और अधिक प्रतिष्ठित क्लब में चली गई है। यह साउथ हॉल को अपना मैदान नगर परिषद के अध्यक्ष को सौंपने के लिए छोड़ देता है, जो इसे ध्वस्त करना चाहता है और इसके स्थान पर एक शॉपिंग मॉल और थीम पार्क का निर्माण करना चाहता है। उनके कार्यों ने समुदाय को उनके विश्वासघात के लिए उन्हें बहिष्कृत करने और उनके साथ अवमानना और तिरस्कार के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि सनी को अंततः अपने पिता के हमले और साउथ हॉल के समर्थन की सच्चाई का पता चलता है। गहराई से चले गए उन्होंने अपने अनुबंध को अस्वीकार कर दिया और साउथ हॉल को एस्टन के खिलाफ फाइनल मैच जीतने में मदद करने के लिए वापस चले गए और खुद को अपने साथियों और समुदाय के लिए मनाया।
फेक ना जॉन अब्राहम, सनी वसीम के रूप में डॉक्टर ओमान के रूप में बिपाशा बसु, शाहान अली खान के रूप में अरशद वारसी, श्वेता के रूप में शेरनाज पटेल, कुशाल पंजाबी रणवीर गोली, टोनी सिंह के रूप में बोमन ईरानी, जॉनी बख्शी के रूप में दलीप ताहिल, मोंटी सिंह के रूप में राजेंद्र नाथ जुत्सी, देवाशीष देवू के रूप में दीपेंदु भट्टाचार्य, सौरभ दुबे जयदेव भसीन सनी के पिता, जुड़न अली खुद के रूप में अर्थपेशवर फुटबॉलर के रूप में तौसीफ जहान, सना खान बिल्लो रानी गाने के लिए आइटम नंबर के रूप में साउथ हॉल यूनाइटेड फुटबॉल फैन के रूप में अजय कल्याण सिंह, गीत संगीत धन धना धन लक्ष्य स्टूडियो एल्बम द्वारा प्रीतम चक्रवर्ती, मुक्त 24 अगस्त 2007, डिजिटल रिलीज 23 नवंबर 2007, पतली परत शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लिबर्टी सीरीज, निर्माता रोनी स्क्रूवाला प्रीतम चक्रवर्ती, कालक्रम लाइफ पेन ई मेट्रो 2007, धन धना धन लक्ष्य 2007, सिंग इज किंग 2008। फिल्म का साउंड ट्रैक अगस्त 2007 में जारी किया गया था। इसे इंडिया FM.com पर 5 में से 3 रेटिंग दी गई। जावेद अख्तर के बोल स्वर्गीय उस्ताद श्री सलील चौधरी के पुत्र संजय चौधरी द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर। गाना नंबर 1 बिल्लो रानी, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा हैं। गाना नंबर 2 हल्ला बोल, इस गाने के गायकार दलेर मेहंदी हैं। गाना नंबर 3 ए दोस्त, इस गाने के गायकार देवरती हैं। गाना नंबर 4 इश्क का कलमा, इस गाने के गायकार नीरज श्रीधर हैं। गाना नंबर 5 तारा रू, इस गाने के गायकार जावेद हैं। गाना नंबर 6 बिल्लू रानी रिमिक्स, इस गाने के गायकार आनंद राजा आनंद और ऋचा शर्मा हैं। आलोचनात्मक स्वीकार्यता, IndiaFM.com ने फिल्म को 5 में से 3 दिया, यह कहते हुए कि कुल मिलाकर धन धना धन लक्ष्य का पहला घंटा सामान्य है, लेकिन अंतराल के बाद के हिस्से विशेष रूप से उत्साहजनक और चरमोत्कर्ष सब कुछ के लिए बनाता है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गोल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। लक्ष्य 2007 हिंदी फिल्म, धन धना धन लक्ष्य अंग्रेजी गेट सेट गोल 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण रॉनी स्क्रूवाला ने किया है और यूटीवी मोशन पिक्चर्स के लिए विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित है। फिल्म में जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी और बोमन ईरानी हैं। फिल्म के साउंड ट्रैक को प्रीतम ने कंपोज किया है और बोल जावेद अख्तर के हैं। धन धना धन लक्ष्य यूके में दक्षिण एशियाई समुदाय की एक समकालीन काल्पनिक कहानी है, पेशेवर फुटबॉल के चश्मे के माध्यम से बताया। हालांकि इस कहानी की प्रेरणा पूर्व आर्सेनल और बार्सिलोना के दिग्गज जुड़न अली के संघर्षों पर आधारित थी, जो कि सिक्स उड़ान अंग्रेजी फुटबॉल में सेंध लगाने के प्रयास को नस्लवाद की गंभीर लहरों से अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसे उन्होंने एक किशोर के रूप में सहन किया था। 23 नवंबर 2007 को रिलीज होने पर फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर केवल मामूली रूप से सफल रही और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे औसत घोषित किया गया। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के कान फिल्म समारोह के टूसलेस सिनेमाज डू मोंडे विश्व सिनेमा खंड में किया गया था। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित, अनुराग कश्यप, रोहित मल्होत्रा, विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा निर्मित, रोनी स्क्रूवाला अभिनीत, जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी, शहनाज पटेल, जुड़न अली छायांकन,
अत्तर सिंह सैनी द्वारा संपादित, हेमल कोठारी संगीत दिया है, गाने प्रीतम, बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, उत्पादन कंपनियां एम फिल्म्स, यूटीवी मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित, यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 23 नवंबर 2007, कार्यकारी समय 167 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड जयदेव और कविता भसीन, साउथ हॉल इंग्लैंड में अपने बेटे सनी के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन शैली जीते हैं। 80 के दशक के मध्य के दौरान जयदेव अखिल एशियाई साउथ हॉल फुटबॉल क्लब का बहुत बड़ा प्रशंसक था और उनकी टीम इतनी सफल रही कि इसने मुख्य धारा की कुकिशान टीमों का विरोध करने से घृणा पैदा की, जिन्होंने जयदेव और टीम के स्टार खिलाड़ी टोनी सिंह पर हमला किया। इसने टीम के अंत की बर्तनी की और फिर जमीन को शादियों और जन्मदिन पार्टियों के लिए किराए पर लिया गया। जयदेव चाहते थे कि सनी साउथ हॉल के लिए खेले, लेकिन सनी ने खुद को ब्रिटिश मान लिया और एस्टन फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए। जब चयन का समय आता है तो सनी, जिन्हें अक्सर पाकी कहा जाता है, को दरकिनार कर दिया जाता है। नाराज होकर वह साउथ हॉल क्लब में शामिल हो गया और वह और कप्तान शान अली खान, साथ ही कोच टोनी सिंह ने टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने सहित कई जीत दिलाए। हालांकि साउथ हॉल टीम गैटविक के खिलाफ खेलने का इरादा रखती है, इससे ठीक पहले उन्हें खबर मिलती है कि सनी एक फैंसी स्पोर्ट्स कार, 4 बेडरूम की हवेली, एक सुंदर हस्ताक्षर राशि और एक उदार साप्ताहिक भत्ता के बदले एक और अधिक प्रतिष्ठित क्लब में चली गई है। यह साउथ हॉल को अपना मैदान नगर परिषद के अध्यक्ष को सौंपने के लिए छोड़ देता है, जो इसे ध्वस्त करना चाहता है, और इसके स्थान पर एक शॉपिंग मॉल और थीम पार्क का निर्माण करना चाहता है। उनके कार्यों ने समुदाय को उनके विश्वासघात के लिए उन्हें बहिष्कृत करने और उनके साथ अवमानना और तिरस्कार के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि सनी को अंततः अपने पिता के हमले और साउथ हॉल के समर्थन की सच्चाई का पता चलता है। गहराई से चले गए उन्होंने अपने अनुबंध को अस्वीकार कर दिया और साउथ हॉल को एस्टन के खिलाफ फाइनल मैच जीतने में मदद करने के लिए वापस चले गए और खुद को अपने साथियों और समुदाय के लिए मनाया। फेकना जॉन अब्राहम सनी वसीम के रूप में, डॉक्टर उमान के रूप में बिपाशा बसु, शान अली खान के रूप में अरशद वारसी, श्वेता के रूप में शेरनाज पटेल, कुशाल पंजाबी रणवीर गोली, टोनी सिंह के रूप में बोमन ईरानी, जॉनी बख्शी के रूप में दलीप ताहिल, मोंटी सिंह के रूप में राजेंद्र नाथ जुत्सी, देवाशीष देवू के रूप में दीपेंदु भट्टाचार्य, सौरभ दुबे, जयदेव भसीन सनी के पिता, जुड़न अली खुद के रूप में, अर्थपेश्वर फुटबॉलर के रूप में तौसीफ जहान, सना खान मिल्लो रानी, गाने के लिए आइटम नंबर के रूप में साउथ हॉल यूनाइटेड फुटबॉल फैन के रूप में अजय कल्याण सिंह, गीत संगीत धन 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 लक्ष्य स्टूडियो एल्बम द्वारा प्रीतम चक्रवर्ती, मुक्त 24 अगस्त 2007, डिजिटल रिलीज 23 नवंबर 2007, पतली परत शैली, पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लिबर्टी सीरीज, निर्माता रोनी स्क्रूवाला, प्रीतम चक्रवर्ती कालक्रम लाइफ पेन ई मेट्रो 2007, धन धना धन लक्ष्य 2007, सिंग इज किंग 2008। फिल्म का साउंड ट्रैक अगस्त 2007 में जारी किया गया था। इसे india.fm.com पर 5 में से 3 रेटिंग दी गई। जावेद अख्तर के बोल स्वर्गीय उस्ताद श्री सलील चौधरी के पुत्र संजय चौधरी द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर, गाना नंबर 1 बिल्लो रानी, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा हैं। गाना नंबर 2 हल्ला बोल, इस गाने के गायकार दलेर मेहंदी हैं। गाना नंबर 3 ए दोस्त, इस गाने के गायकार देवरती हैं। गाना नंबर 4 इश्क का कलमा, इस गाने के गायकार नीरज श्रीधर हैं। गाना नंबर 5 तारा रू, इस गाने के गायकार जावेद हैं। गाना नंबर 6 बिल्लो रानी रिमिक्स, इस गाने के गायकार आनंद राजा आनंद और ऋचा शर्मा हैं। आलोचनात्मक स्वीकार्यता, india.fm.com ने फिल्म को 5 में से 3 दिया, यह कहते हुए कि कुल मिलाकर धन धना धन लक्ष्य का पहला घंटा सामान्य है, लेकिन अंतराल के बाद के हिस्से विशेष रूप से उत्साहजनक और चरमोत्कर्ष सब कुछ के लिए बनाता है।
दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको गोल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। लक्ष्य 2007 हिंदी फिल्म। धन धना धन लक्ष्य अंग्रेजी गेट सेट गोल 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण रॉनी स्क्रूवाला ने किया है और यूटीवी मोशन पिक्चर्स के लिए विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित है। फिल्म में जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी और बोमन ईरानी हैं। फिल्म के साउंड ट्रैक को प्रीतम ने कंपोज किया है और बोल जावेद अख्तर के हैं। धन धना धन लक्ष्य यूके में दक्षिण एशियाई समुदाय की एक समकालीन काल्पनिक कहानी है। पेशेवर फुटबॉल के चश्मे के माध्यम से बताया, हालांकि इस कहानी की प्रेरणा पूर्व आर्सेनल और बार्सिलोना के दिग्गज जुड़न अली के संघर्षों पर आधारित थी, जो कि सिक्स उड़ान अंग्रेजी फुटबॉल में सेंध लगाने के प्रयास को नस्लवाद की गंभीर लहरों से अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसे उन्होंने एक किशोर के रूप में सहन किया था। 23 नवंबर 2007 को रिलीज होने पर फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर केवल मामूली रूप से सफल रही और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे औसत घोषित किया गया। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के कान फिल्म समारोह के टूसलेस सिनेमाज डू मोंडे विश्व सिनेमा खंड में किया गया था। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित, अनुराग कश्यप, रोहित मल्होत्रा, विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा निर्मित, रोनी स्क्रूवाला अभिनीत, जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी, शहनाज पटेल, जुड़न अली, छायांकन अत्तर सिंह सैनी द्वारा संपादित, हेमल कोठारी, संगीत दिया है गाने प्रीतम, बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, उत्पादन कंपनियां एम फिल्म्स, यूटीवी मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित, यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 23 नवंबर 2007, कार्यकारी समय 167 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड जयदेव और कविता भसीन, साउथ हॉल इंग्लैंड में अपने बेटे सनी के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन शैली जीते हैं। 80 के दशक के मध्य के दौरान जयदेव अखिल एशियाई साउथ हॉल फुटबॉल क्लब का बहुत बड़ा प्रशंसक था और उनकी टीम इतनी सफल रही कि इसने मुख्य धारा की कुकिशान टीमों का विरोध करने से घृणा पैदा की, जिन्होंने जयदेव और टीम के स्टार खिलाड़ी टोनी सिंह पर हमला किया। इसने टीम के अंत की बर्तनी की और फिर जमीन को शादियों और जन्मदिन पार्टियों के लिए किराए पर लिया गया। जयदेव चाहते थे कि सनी साउथ हॉल के लिए खेले, लेकिन सनी ने खुद को ब्रिटिश मान लिया और एस्टन फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए। जब चयन का समय आता है तो सनी, जिन्हें अक्सर पाकी कहा जाता है, को दरकिनार कर दिया जाता है। नाराज होकर वह साउथ हॉल क्लब में शामिल हो गया और वह और कप्तान शान अली खान, साथ ही कोच टोनी सिंह ने टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने सहित कई जीत दिलाई। हालांकि साउथ हॉल टीम गैटवी के खिलाफ खेलने का इरादा रखती है, इससे ठीक पहले उन्हें खबर मिलती है कि सनी एक फैंसी स्पोर्ट्स कार, 4 बेडरूम की हवेली, एक सुंदर हस्ताक्षर राशि और एक उदार साप्ताहिक भत्ता के बदले एक और अधिक प्रतिष्ठित क्लब में चली गई है। यह साउथ हॉल को अपना मैदान नगर परिषद के अध्यक्ष को सौंपने के लिए छोड़ देता है, जो इसे ध्वस्त करना चाहता है और इसके स्थान पर एक शॉपिंग मॉल और थीम पार्क का निर्माण करना चाहता है। उनके कार्यों ने समुदाय को उनके विश्वासघात के लिए उन्हें बहिष्कृत करने और उनके साथ अवमानना और तिरस्कार के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया।
हालांकि सनी को अंततः अपने पिता के हमले और साउथ हॉल के समर्थन की सच्चाई का पता चलता है, गहराई से चले गए। उन्होंने अपने अनुबंध को अस्वीकार कर दिया और साउथ हॉल को एस्टन के खिलाफ फाइनल मैच जीतने में मदद करने के लिए वापस चले गए और खुद को अपने साथियों और समुदाय के लिए मनाया। फेकना जॉन अब्राहम सनी वसीम के रूप में, डॉक्टर ओमान के रूप में बिपाशा बसु, शाहान अली खान के रूप में अरशद वारसी, श्वेता के रूप में शेरनाज पटेल, कुशाल पंजाबी रणवीर गोली, टोनी सिंह के रूप में बोमन ईरानी, जॉनी बख्शी के रूप में दलीप ताहिल, मोंटी सिंह के रूप में राजेंद्र नाथ जुत्सी, देवाशीष देवू के रूप में दीपेंदु भट्टाचार्य, सौरभ दुबे, जयदेव भसीन सनी के पिता, जुड़न अली खुद के रूप में अर्थपेशवर फुटबॉलर के रूप में, तौसीफ जहान, सना खान, बिल्लू रानी गाने के लिए आइटम नंबर के रूप में, साउथ हॉल यूनाइटेड फुटबॉल फैन के रूप में अजय कल्याण सिंह, गीत संगीत धन धना धन लक्ष्य स्टूडियो एल्बम द्वारा प्रीतम चक्रवर्ती, मुक्त 24 अगस्त 2007, डिजिटल रिलीज 23 नवंबर 2007, पतली परत शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लिबर्टी सीरीज, निर्माता रोनी स्क्रूवाला, प्रीतम चक्रवर्ती कालक्रम लाइफ पेन ई मेट्रो 2007, धन धना धन लक्ष्य 2007, सिंग इज किंग 2008। फिल्म का साउंड ट्रैक अगस्त 2007 में जारी किया गया था। इसे इंडिया FM.com पर 5 में से 3 रेटिंग दी गई। जावेद अख्तर के बोल स्वर्गीय उस्ताद श्री सलील चौधरी के पुत्र संजय चौधरी द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर। गाना नंबर 1 बिल्लू रानी, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा हैं। गाना नंबर 2 हल्ला बोल, इस गाने के गायकार दलेर मेहंदी हैं। गाना नंबर 3 ए दोस्त, इस गाने के गायकार देवव्रति हैं। गाना नंबर 4 इश्क का कलमा, इस गाने के गायकार नीरज श्रीधर हैं। गाना नंबर 5 तारा रू, इस गाने के गायकार जावेद हैं। गाना नंबर 6 बिल्लू रानी रिमिक्स, इस गाने के गायकार आनंद राजा आनंद और ऋचा शर्मा हैं। आलोचनात्मक स्वीकार्यता, IndiaFM.com ने फिल्म को 5 में से 3 दिया, यह कहते हुए कि कुल मिलाकर धन धना धन लक्ष्य का पहला घंटा सामान्य है, लेकिन अंतराल के बाद के हिस्से विशेष रूप से उत्साहजनक और चरमोत्कर्ष सब कुछ के लिए बनाता है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गोल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। लक्ष्य 2007 हिंदी फिल्म, धन धना धन लक्ष्य अंग्रेजी गेट सेट गोल 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण रॉनी स्क्रूवाला ने किया है और यूटीवी मोशन पिक्चर्स के लिए विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित है। फिल्म में जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी और बोमन ईरानी हैं। फिल्म के साउंड ट्रैक को प्रीतम ने कंपोज किया है और बोल जावेद अख्तर के हैं। धन धना धन लक्ष्य यूके में दक्षिण एशियाई समुदाय की एक समकालीन काल्पनिक कहानी है, पेशेवर फुटबॉल के चश्मे के माध्यम से बताया। हालांकि इस कहानी की प्रेरणा पूर्व आर्सेनल और बार्सिलोना के दिग्गज जुड़न अली के संघर्षों पर आधारित थी, जो कि सिक्स उड़ान अंग्रेजी फुटबॉल में सेंध लगाने के प्रयास को नस्लवाद की गंभीर लहरों से अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसे उन्होंने एक किशोर के रूप में सहन किया था। 23 नवंबर 2007 को रिलीज होने पर फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर केवल मामूली रूप से सफल रही और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे औसत घोषित किया गया।
इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के कान फिल्म समारोह के टूसलेस सिनेमाज डू मोंडे विश्व सिनेमा खंड में किया गया था। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित, अनुराग कश्यप, रोहित मल्होत्रा, विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा निर्मित, रोनी स्क्रूवाला अभिनीत, जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी, शहनाज पटेल, जुड़न अली, छायांकन अत्तर सिंह सैनी द्वारा संपादित, हेमल कोठारी, संगीत दिया है गाने प्रीतम, बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, उत्पादन कंपनियां एम फिल्म्स, यूटीवी मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित, यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 23 नवंबर 2007, कार्यकारी समय 167 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड जयदेव और कविता भसीन, साउथ हॉल इंग्लैंड में अपने बेटे सनी के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन शैली जीते हैं। 80 के दशक के मध्य के दौरान जयदेव अखिल एशियाई साउथ हॉल फुटबॉल क्लब का बहुत बड़ा प्रशंसक था और उनकी टीम इतनी सफल रही कि इसने मुख्य धारा की कुकिशान टीमों का विरोध करने से घृणा पैदा की, जिन्होंने जयदेव और टीम के स्टार खिलाड़ी टोनी सिंह पर हमला किया। इसने टीम के अंत की बर्तनी की और फिर जमीन को शादियों और जन्मदिन पार्टियों के लिए किराए पर लिया गया। जयदेव चाहते थे कि सनी साउथ हॉल के लिए खेले, लेकिन सनी ने खुद को ब्रिटिश मान लिया और एस्टन फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए। जब चयन का समय आता है तो सनी, जिन्हें अक्सर पाकी कहा जाता है, को दरकिनार कर दिया जाता है। नाराज होकर वह साउथ हॉल क्लब में शामिल हो गया और वह और कप्तान शान अली खान, साथ ही कोच टोनी सिंह ने टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने सहित कई जीत दिलाई। हालांकि साउथ हॉल टीम गैटवी के खिलाफ खेलने का इरादा रखती है, इससे ठीक पहले उन्हें खबर मिलती है कि सनी एक फैंसी स्पोर्ट्स कार, 4 बेडरूम की हवेली, एक सुंदर हस्ताक्षर राशि और एक उदार साप्ताहिक भत्ता के बदले एक और अधिक प्रतिष्ठित क्लब में चली गई है। यह साउथ हॉल को अपना मैदान नगर परिषद के अध्यक्ष को सौंपने के लिए छोड़ देता है, जो इसे ध्वस्त करना चाहता है, और इसके स्थान पर एक शॉपिंग मॉल और थीम पार्क का निर्माण करना चाहता है। उनके कार्यों ने समुदाय को उनके विश्वासघात के लिए उन्हें बहिष्कृत करने और उनके साथ अवमानना और तिरस्कार के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि सनी को अंततः अपने पिता के हमले और साउथ हॉल के समर्थन की सच्चाई का पता चलता है। गहराई से चले गए उन्होंने अपने अनुबंध को अस्वीकार कर दिया और साउथ हॉल को एस्टन के खिलाफ फाइनल मैच जीतने में मदद करने के लिए वापस चले गए और खुद को अपने साथियों और समुदाय के लिए मनाया। फेकना जॉन अब्राहम सनी वसीम के रूप में, डॉक्टर उमान के रूप में बिपाशा बसु, शान अली खान के रूप में अरशद वारसी, श्वेता के रूप में शेरनाज पटेल, कुशाल पंजाबी रणवीर गोली, टोनी सिंह के रूप में बोमन ईरानी, जॉनी बख्शी के रूप में दलीप ताहिल, मोंटी सिंह के रूप में राजेंद्र नाथ जुत्सी, देवाशीष देवू के रूप में दीपेंदु भट्टाचार्य, सौरभ दुबे, जयदेव भसीन सनी के पिता, जुड़न अली खुद के रूप में अर्थपेश्वर फुटबॉलर के रूप में, तौसीफ जहान, सना खान, बिल्लू रानी गाने के लिए आइटम नंबर के रूप में, साउथ हॉल यूनाइटेड फुटबॉल फैन के रूप में, अजय कल्याण सिंह गीत संगीत, धन धना धन लक्ष्य स्टूडियो एल्बम द्वारा प्रीतम चक्रवर्ती मुक्त, 24 अगस्त 2007 डिजिटल रिलीज, 23 नवंबर 2007 पतली परत शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लिबर्टी सीरीज, निर्माता रोनी स्क्रूवाला प्रीतम चक्रवर्ती कालक्रम लाइफ पेन ई मेट्रो 2007, धन धना धन लक्ष्य 2007, सिंग इज किंग 2008। फिल्म का साउंड ट्रैक अगस्त 2007 में जारी किया गया था। इसे इंडिया FM.com पर 5 में से 3 रेटिंग दी गई। जावेद अख्तर के बोल स्वर्गीय उस्ताद श्री सलील चौधरी के पुत्र संजय चौधरी द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर, गाना नंबर 1 बिल्लू रानी, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा हैं। गाना नंबर 2 हल्ला बोल, इस गाने के गायकार दलेर मेहंदी हैं। गाना नंबर 3 ए दोस्त, इस गाने के गायकार देवरती हैं। गाना नंबर 4 इश्क का कलमा, इस गाने के गायकार
नीरज श्रीधर हैं। गाना नंबर 5 तारा रू, इस गाने के गायकार जावेद हैं। गाना नंबर 6 बिल्लू रानी रिमिक्स, इस गाने के गायकार आनंद राजा आनंद और ऋचा शर्मा हैं। आलोचनात्मक स्वीकार्यता, IndiaFM.com ने फिल्म को 5 में से 3 दिया, यह कहते हुए कि कुल मिलाकर धन धना धन लक्ष्य का पहला घंटा सामान्य है, लेकिन अंतराल के बाद के हिस्से विशेष रूप से उत्साहजनक और चरमोत्कर्ष सब कुछ के लिए बनाता है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गोल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। लक्ष्य 2007 हिंदी फिल्म। धन धना धन लक्ष्य अंग्रेजी गेट सेट गोल 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण रॉनी स्क्रूवाला ने किया है और यूटीवी मोशन पिक्चर्स के लिए विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित है। फिल्म में जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी और बोमन ईरानी हैं। फिल्म के साउंडट्रैक को प्रीतम ने कंपोज किया है और बोल जावेद अख्तर के हैं। धन धना धन लक्ष्य यूके में दक्षिण एशियाई समुदाय की एक समकालीन काल्पनिक कहानी है। पेशवर फुटबॉल के चश्मे के माध्यम से बताया, हालांकि इस कहानी की प्रेरणा पूर्व आर्सेनल और बार्सिलोना के दिग्गज जुड़न अली के संघर्षों पर आधारित थी, जो कि सिक्स उड़ान अंग्रेजी फुटबॉल में सेंध लगाने के प्रयास को नस्लवाद की गंभीर लहरों से अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसे उन्होंने एक किशोर के रूप में सहन किया था। 23 नवंबर 2007 को रिलीज होने पर फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर केवल मामूली रूप से सफल रही और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे औसत घोषित किया गया। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के कान फिल्म समारोह के टूसलेस सिनेमाज डू मोंडे विश्व सिनेमा खंड में किया गया था। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित, अनुराग कश्यप, रोहित मल्होत्रा, विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा निर्मित, रोनी स्क्रूवाला अभिनीत, जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी, शहनाज पटेल, जुड़न अली, छायांकन अत्तर सिंह सैनी द्वारा संपादित, हेमल कोठारी, संगीत दिया है गाने प्रीतम, बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, उत्पादन कंपनियां एम फिल्म्स, यूटीवी मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित, यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 23 नवंबर 2007, कार्यकारी समय 167 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड जयदेव और कविता भसीन, साउथ हॉल इंग्लैंड में अपने बेटे सनी के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन शैली जीते हैं। 80 के दशक के मध्य के दौरान जयदेव अखिल एशियाई साउथ हॉल फुटबॉल क्लब का बहुत बड़ा प्रशंसक था और उनकी टीम इतनी सफल रही कि इसने मुख्य धारा की कुकिशान टीमों का विरोध करने से घृणा पैदा की, जिन्होंने जयदेव और टीम के स्टार खिलाड़ी टोनी सिंह पर हमला किया। इसने टीम के अंत की बर्तनी की और फिर जमीन को शादियों और जन्मदिन पार्टियों के लिए किराए पर लिया गया। जयदेव चाहते थे कि सनी साउथ हॉल के लिए खेले, लेकिन सनी ने खुद को ब्रिटिश मान लिया और एस्टन फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए। जब चयन का समय आता है तो सनी, जिन्हें अक्सर पाकी कहा जाता है, को दरकिनार कर दिया जाता है। नाराज होकर वह साउथ हॉल क्लब में शामिल हो गया और वह और कप्तान शान अली खान, साथ ही कोच टोनी सिंह ने टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने सहित कई जीत दिलाई। हालांकि साउथ हॉल टीम गेटवे के खिलाफ खेलने का इरादा रखती है, इससे ठीक पहले उन्हें
खबर मिलती है कि सनी एक फैंसी स्पोर्ट्स कार, 4 बेडरूम की हवेली, एक सुंदर हस्ताक्षर राशि और एक उदार साप्ताहिक वक्ता के बदले एक और अधिक प्रतिष्ठित क्लब में चली गई है। यह साउथ हॉल को अपना मैदान नगर परिषद के अध्यक्ष को सौंपने के लिए छोड़ देता है, जो इसे ध्वस्त करना चाहता है, और इसके स्थान पर एक शॉपिंग मॉल और थीम पार्क का निर्माण करना चाहता है। उनके कार्यों ने समुदाय को उनके विश्वासघात के लिए उन्हें बहिष्कृत करने और उनके साथ अवमानना और तिरस्कार के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि सनी को अंततः अपने पिता के हमले और साउथ हॉल के समर्थन की सच्चाई का पता चलता है। गहराई से चले गए उन्होंने अपने अनुबंध को अस्वीकार कर दिया और साउथ हॉल को एस्टन के खिलाफ फाइनल मैच जीतने में मदद करने के लिए वापस चले गए और खुद को अपने साथियों और समुदाय के लिए मनाया। फेंकना जॉन अब्राहम सनी वसीम के रूप में, डॉक्टर उमान के रूप में बिपाशा बसु, शाहान अली खान के रूप में अरशद वारसी, श्वेता के रूप में शेरनाज पटेल, कुशाल पंजाबी, रणवीर गोली, टोनी सिंह के रूप में बोमन ईरानी, जॉनी बख्शी के रूप में दलीप दाहिल, मोंटी सिंह के रूप में राजेंद्र नाथ जुत्सी, देवाशीष देवू के रूप में दीपेंदु भट्टाचार्य, सौरभ दुबे, जयदेव भसीन सनी के पिता, जुड़न अली खुद के रूप में, अर्थपेश्वर फुटबॉलर के रूप में तौसीफ जहान, सना खान बिल्लो रानी, गाने के लिए आइटम नंबर के रूप में साउथ हॉल यूनाइटेड फुटबॉल फैन के रूप में अजय कल्याण सिंह, गीत संगीत धन 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 लक्ष्य स्टूडियो एल्बम द्वारा प्रीतम चक्रवर्ती, मुक्त 24 अगस्त 2007, डिजिटल रिलीज 23 नवंबर 2007, पतली परत शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लिबर्टी सीरीज, निर्माता रोनी स्क्रूवाला, प्रीतम चक्रवर्ती कालक्रम लाइफ एंड ई मेट्रो 2007, धन 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 लक्ष्य 2007, सिंग इज किंग 2008। फिल्म का साउंड ट्रैक अगस्त 2007 में जारी किया गया था। इसे इंडिया FM.com पर 5 में से 3 रेटिंग दी गई। जावेद अख्तर के बोल स्वर्गीय उस्ताद श्री सलील चौधरी के पुत्र संजय चौधरी द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर। गाना नंबर 1 बिल्लो रानी, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा हैं। गाना नंबर 2 हल्ला बोल, इस गाने के गायकार दलेर मेहंदी हैं। गाना नंबर 3 ए दोस्त, इस गाने के गायकार देवरती हैं। गाना नंबर 4 इश्क का कलमा, इस गाने के गायकार नीरज श्रीधर हैं। गाना नंबर 5 तारा रू, इस गाने के गायकार जावेद हैं। गाना नंबर 6 बिल्लू रानी रिमिक्स, इस गाने के गायकार आनंद राजा आनंद और ऋचा शर्मा हैं। आलोचनात्मक स्वीकारिता, indiafm.com ने फिल्म को 5 में से 3 दिया, यह कहते हुए कि कुल मिलाकर धन धना धन लक्ष्य का पहला घंटा सामान्य है, लेकिन अंतराल के बाद के हिस्से विशेष रूप से उत्साहजनक और चरमोत्कर्ष सब कुछ के लिए बनाता है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गोल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। लक्ष्य 2007 हिंदी फिल्म, धन धना धन लक्ष्य अंग्रेजी गेट सेट गोल 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण रॉनी स्क्रूवाला ने किया है और यूटीवी मोशन पिक्चर्स के लिए विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित है। फिल्म में जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी और बोमन ईरानी हैं। फिल्म के साउंड ट्रैक को प्रीतम ने कंपोज किया है और बोल जावेद अख्तर के हैं। धन धना धन लक्ष्य यूके में दक्षिण एशियाई समुदाय की एक समकालीन काल्पनिक कहानी है। पेशेवर फुटबॉल के चश्मे के माध्यम से बताया
हालांकि इस कहानी की प्रेरणा पूर्व आर्सेनल और बार्सिलोना के दिग्गज जुड़न अली के संघर्षों पर आधारित थी, जो कि सिक्स उड़ान अंग्रेजी फुटबॉल में सेंध लगाने के प्रयास को नस्लवाद की गंभीर लहरों से अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसे उन्होंने एक किशोर के रूप में सहन किया था। 23 नवंबर 2007 को रिलीज होने पर फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर केवल मामूली रूप से सफल रही और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे औसत घोषित किया गया। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के कान फिल्म समारोह के टूसलेस सिनेमाज डू मोंडे विश्व सिनेमा खंड में किया गया था। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित, अनुराग कश्यप, रोहित मल्होत्रा, विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा निर्मित, रोनी स्क्रूवाला अभिनीत, जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी, शहनाज पटेल, जुड़न अली, छायांकन अत्तर सिंह सैनी द्वारा संपादित, हेमल कोठारी, संगीत दिया है गाने प्रीतम, बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, उत्पादन कंपनियां एम फिल्म्स, यूटीवी मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित, यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 23 नवंबर 2007, कार्यकारी समय 167 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड जयदेव और कविता भसीन, साउथ हॉल इंग्लैंड में अपने बेटे सनी के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन शैली जीते हैं। 80 के दशक के मध्य के दौरान जयदेव अखिल एशियाई साउथ हॉल फुटबॉल क्लब का बहुत बड़ा प्रशंसक था और उनकी टीम इतनी सफल रही कि इसने मुख्य धारा की कुकिशान टीमों का विरोध करने से घृणा पैदा की, जिन्होंने जयदेव और टीम के स्टार खिलाड़ी टोनी सिंह पर हमला किया। इसने टीम के अंत की बर्तनी की और फिर जमीन को शादियों और जन्मदिन पार्टियों के लिए किराए पर लिया गया। जयदेव चाहते थे कि सनी साउथ हॉल के लिए खेले, लेकिन सनी ने खुद को ब्रिटिश मान लिया और एस्टन फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए। जब चयन का समय आता है तो सनी, जिन्हें अक्सर पाकी कहा जाता है, को दरकिनार कर दिया जाता है। नाराज़ होकर वह साउथ हॉल क्लब में शामिल हो गया और वह और कप्तान शान अली खान, साथ ही कोच टोनी सिंह ने टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने सहित कई जीत दिलाई। हालांकि साउथ हॉल टीम गैटविक के खिलाफ खेलने का इरादा रखती है, इससे ठीक पहले उन्हें खबर मिलती है कि सनी एक फैंसी स्पोर्ट्स कार, 4 बेडरूम की हवेली, एक सुंदर हस्ताक्षर राशि और एक उदार साप्ताहिक वक्ता के बदले एक और अधिक प्रतिष्ठित क्लब में चली गई है। यह साउथ हॉल को अपना मैदान नगर परिषद के अध्यक्ष को सौंपने के लिए छोड़ देता है, जो इसे ध्वस्त करना चाहता है, और इसके स्थान पर एक शॉपिंग मॉल और थीम पार्क का निर्माण करना चाहता है। उनके कार्यों ने समुदाय को उनके विश्वासघात के लिए उन्हें बहिष्कृत करने और उनके साथ अवमानना और तिरस्कार के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि सनी को अंततः अपने पिता के हमले और साउथ हॉल के समर्थन की सच्चाई का पता चलता है। गहराई से चले गए उन्होंने अपने अनुबंध को अस्वीकार कर दिया और साउथ हॉल को एस्टन के खिलाफ फाइनल मैच जीतने में मदद करने के लिए वापस चले गए और खुद को अपने साथियों और समुदाय के लिए मनाया। फेंकना जॉन अब्राहम, सनी वसीम के रूप में डॉक्टर ओमान के रूप में बिपाशा बसु, शान अली खान के रूप में अरशद वारसी, श्वेता के रूप में शहनाज पटेल, कुशाल पंजाबी, रणवीर गोली, टोनी सिंह के रूप में बोमन ईरानी, जॉनी बख्शी के रूप में दलीप दाहिल, मोंटी सिंह के रूप में राजेंद्र नाथ जुत्सी, देवाशीष देवू के रूप में दीपेंदु भट्टाचार्य, सौरभ दुबे, जयदेव भसीन सनी के पिता, जुड़न अली खुद के रूप में, अर्थपेश्वर फुटबॉलर के रूप में तौसीफ जहान, सना खान, बिल्लो रानी, गाने के लिए आइटम नंबर के रूप में साउथ हॉल यूनाइटेड फुटबॉल फैन के रूप में अजय कल्याण सिंह, गीत संगीत धन 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 लक्ष्य स्टूडियो एल्बम द्वारा प्रीतम चक्रवर्ती, मुक्त 24 अगस्त 2007, डिजिटल रिलीज 23 नवंबर 2007, पतली परत शैली, फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लिबर्टी सीरीज, निर्माता रोनी स्क्रूवाला, प्रीतम चक्रवर्ती कालक्रम लाइफ एंड ए मेट्रो 2007, धन धना धन लक्ष्य 2007, सिंग इज किंग 2008। फिल्म का साउंड ट्रैक अगस्त 2007 में जारी किया गया था। इसे इंडिया
FM.com पर 5 में से 3 रेटिंग दी गई जावेद अख्तर के बोल स्वर्गीय उस्ताद श्री सलील चौधरी के पुत्र संजय चौधरी द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर। गाना नंबर 1 बिल्लो रानी। इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा हैं। गाना नंबर 2 हल्ला बोल। इस गाने के गायकार दलेर मेहंदी हैं। गाना नंबर 3 ए दोस्त। इस गाने के गायकार देवव्रति हैं। गाना नंबर 4 इश्क का कलमा। इस गाने के गायकार नीरज श्रीधर हैं। गाना नंबर 5 तारा रू। इस गाने के गायकार जावेद हैं। गाना नंबर 6 बिल्लो रानी रिमिक्स। इस गाने के गायकार आनंद राजा आनंद और ऋचा शर्मा हैं। आलोचनात्मक स्वीकार्यता। IndiaFM.com ने फिल्म को 5 में से 3 दिया, यह कहते हुए कि कुल मिलाकर धन धना धन लक्ष्य का पहला घंटा सामान्य है, लेकिन अंतराल के बाद के हिस्से विशेष रूप से उत्साहजनक और चरमोत्कर्ष सब कुछ के लिए बनाता है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गोल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। लक्ष्य 2007 हिंदी फिल्म। धन धना धन लक्ष्य अंग्रेजी गेट सेट गोल 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण रॉनी स्क्रूवाला ने किया है और यूटीवी मोशन पिक्चर्स के लिए विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित है। फिल्म में जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी और बोमन ईरानी हैं। फिल्म के साउंड ट्रैक को प्रीतम ने कंपोज किया है और बोल जावेद अख्तर के हैं। धन धना धन लक्ष्य यूके में दक्षिण एशियाई समुदाय की एक समकालीन काल्पनिक कहानी है। पेशवर फुटबॉल के चश्मे के माध्यम से बताया। हालांकि इस कहानी की प्रेरणा पूर्व आर्सेनल और बार्सिलोना के दिग्गज जुड़न अली के संघर्षों पर आधारित थी, जो कि सिक्स उड़ान अंग्रेजी फुटबॉल में सेंध लगाने के प्रयास को नस्लवाद की गंभीर लहरों से अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसे उन्होंने एक किशोर के रूप में सहन किया था। 23 नवंबर 2007 को रिलीज होने पर फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर केवल मामूली रूप से सफल रही और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे औसत घोषित किया गया। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के कान फिल्म समारोह के टूसलेस सिनेमाज डू मोंडे विश्व सिनेमा खंड में किया गया था। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित, अनुराग कश्यप, रोहित मल्होत्रा, विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा निर्मित, रोनी स्क्रूवाला अभिनीत, जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी, शहनाज पटेल, जुड़न अली छायांकन, अत्तर सिंह सैनी द्वारा संपादित, हेमल कोठारी संगीत दिया है, गाने प्रीतम, बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, उत्पादन कंपनियां एम फिल्म्स, यूटीवी मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित, यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 23 नवंबर 2007, कार्यकारी समय 167 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड जयदेव और कविता भसीन, साउथ हॉल इंग्लैंड में अपने बेटे सनी के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन शैली जीते हैं। 80 के दशक के मध्य के दौरान जयदेव अखिल एशियाई साउथ हॉल फुटबॉल क्लब का बहुत बड़ा प्रशंसक था और उनकी टीम इतनी सफल रही कि इसने मुख्य धारा की कुकिशान टीमों का विरोध करने से घृणा पैदा की, जिन्होंने जयदेव और टीम के स्टार खिलाड़ी टोनी सिंह पर हमला किया। इसने टीम के अंत की बर्तनी की और फिर जमीन को शादियों और जन्मदिन पार्टियों के लिए किराए पर लिया गया। जयदेव चाहते थे कि सनी साउथ हॉल के लिए खेले, लेकिन सनी ने खुद को ब्रिटिश मान लिया और एस्टन फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए।
जब चैन का समय आता है तो सनी, जिन्हें अक्सर पाकी कहा जाता है, को दरकिनार कर दिया जाता है। नाराज़ होकर वह साउथ हॉल क्लब में शामिल हो गया और वह और कप्तान शान अली खान, साथ ही कोच टोनी सिंह ने टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने सहित कई जीत दिलाए। हालांकि साउथ हॉल टीम गेटविक के खिलाफ खेलने का इरादा रखती है, इससे ठीक पहले उन्हें खबर मिलती है कि सनी एक फैंसी स्पोर्ट्स कार, 4 बेडरूम की हवेली, एक सुंदर हस्ताक्षर राशि और एक उदार साप्ताहिक भत्ता के बदले एक और अधिक प्रतिष्ठित क्लब में चली गई है। यह साउथ हॉल को अपना मैदान नगर परिषद के अध्यक्ष को सौंपने के लिए छोड़ देता है, जो इसे ध्वस्त करना चाहता है, और इसके स्थान पर एक शॉपिंग मॉल और थीम पार्क का निर्माण करना चाहता है। उनके कार्यों ने समुदाय को उनके विश्वासघात के लिए उन्हें बहिष्कृत करने और उनके साथ अवमानना और तिरस्कार के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि सनी को अंततः अपने पिता के हमले और साउथ हॉल के समर्थन की सच्चाई का पता चलता है। गहराई से चले गए उन्होंने अपने अनुबंध को अस्वीकार कर दिया और साउथ हॉल को एस्टन के खिलाफ फाइनल मैच जीतने में मदद करने के लिए वापस चले गए और खुद को अपने साथियों और समुदाय के लिए मनाया। फेकना जॉन अब्राहम सनी वसीम के रूप में, डॉक्टर उमान के रूप में बिपाशा बसु, शान अली खान के रूप में अरशद वारसी, श्वेता के रूप में शेरनाज पटेल, कुशाल पंजाबी, रणवीर गोली, टोनी सिंह के रूप में बोमन ईरानी, जॉनी बख्शी के रूप में दिलीप ताहिल, मोंटी सिंह के रूप में राजेंद्र नाथ जुत्सी, देवाशीष देवू के रूप में दीपेंदु भट्टाचार्य, सौरभ दुबे, जयदेव भसीन सनी के पिता, जुड़न अली खुद के रूप में, अर्थपेशवर फुटबॉलर के रूप में तौसीफ जहान, सना खान, मिल्लो रानी, गाने के लिए आइटम नंबर के रूप में साउथ हॉल यूनाइटेड, फुटबॉल फैन के रूप में अजय कल्याण सिंह, गीत संगीत धन 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 लक्ष्य स्टूडियो एल्बम द्वारा प्रीतम चक्रवर्ती, मुक्त 24 अगस्त 2007, डिजिटल रिलीज 23 नवंबर 2007, पतली परत शैली, पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लिबर्टी सीरीज, निर्माता रोनी स्क्रूवाला, प्रीतम चक्रवर्ती कालक्रम लाइव पेन ई मेट्रो 2007, धन धना धन लक्ष्य 2007, सिंग इज किंग 2008। फिल्म का साउंड ट्रैक अगस्त 2007 में जारी किया गया था। इसे india.fm.com पर 5 में से 3 रेटिंग दी गई। जावेद अख्तर के बोल स्वर्गीय उस्ताद श्री सलील चौधरी के पुत्र संजय चौधरी द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर। गाना नंबर 1 बिल्लू रानी, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा हैं। गाना नंबर 2 हल्ला बोल, इस गाने के गायकार दलेर मेहंदी हैं। गाना नंबर 3 ए दोस्त, इस गाने के गायकार देवरती हैं। गाना नंबर 4 इश्क का कलमा, इस गाने के गायकार नीरज श्रीधर हैं। गाना नंबर 5 तारा रू, इस गाने के गायकार जावेद हैं। गाना नंबर 6 बिल्लू रानी रिमिक्स, इस गाने के गायकार आनंद राजा आनंद और ऋचा शर्मा हैं। आलोचनात्मक स्वीकार्यता, india.fm.com ने फिल्म को 5 में से 3 दिया, यह कहते हुए कि कुल मिलाकर धन धना धन लक्ष्य का पहला घंटा सामान्य है, लेकिन अंतराल के बाद के हिस्से विशेष रूप से उत्साहजनक और चरमोत्कर्ष सब कुछ के लिए बनाता है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गोल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। लक्ष्य 2007 हिंदी फिल्म, धन धना धन लक्ष्य अंग्रेजी गेट सेट गोल 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स
ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण रॉनी स्क्रूवाला ने किया है और यूटीवी मोशन पिक्चर्स के लिए विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित है। फिल्म में जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी और बोमन ईरानी हैं। फिल्म के साउंडट्रैक को प्रीतम ने कंपोज किया है और बोल जावेद अख्तर के हैं। धन धना धन लक्ष्य यूके में दक्षिण एशियाई समुदाय की एक समकालीन काल्पनिक कहानी है। पेशेवर फुटबॉल के चश्मे के माध्यम से बताया, हालांकि इस कहानी की प्रेरणा पूर्व आर्सेनल और बार्सिलोना के दिग्गज जुड़न अली के संघर्षों पर आधारित थी, जो कि सिक्स उड़ान अंग्रेजी फुटबॉल में सेंध लगाने के प्रयास को नस्लवाद की गंभीर लहरों से अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसे उन्होंने एक किशोर के रूप में सहन किया था। 23 नवंबर 2007 को रिलीज होने पर फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर केवल मामूली रूप से सफल रही और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे औसत घोषित किया गया। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के कान फिल्म समारोह के टूसलेस सिनेमाज डू मोंडे विश्व सिनेमा खंड में किया गया था। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित, अनुराग कश्यप, रोहित मल्होत्रा, विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा निर्मित, रोनी स्क्रूवाला अभिनीत, जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी, शहनाज पटेल, जुड़न अली, छायांकन अत्तर सिंह सैनी द्वारा संपादित, हेमल कोठारी, संगीत दिया है गाने प्रीतम, बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, उत्पादन कंपनियां एम फिल्म्स, यूटीवी मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित, यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 23 नवंबर 2007, कार्यकारी समय 167 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड जयदेव और कविता भसीन, साउथ हॉल इंग्लैंड में अपने बेटे सनी के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन शैली जीते हैं। 80 के दशक के मध्य के दौरान जयदेव अखिल एशियाई साउथ हॉल फुटबॉल क्लब का बहुत बड़ा प्रशंसक था और उनकी टीम इतनी सफल रही कि इसने मुख्य धारा की कुकिशान टीमों का विरोध करने से घृणा पैदा की, जिन्होंने जयदेव और टीम के स्टार खिलाड़ी टोनी सिंह पर हमला किया। इसने टीम के अंत की बर्तनी की और फिर जमीन को शादियों और जन्मदिन पार्टियों के लिए किराए पर लिया गया। जयदेव चाहते थे कि सनी साउथ हॉल के लिए खेले, लेकिन सनी ने खुद को ब्रिटिश मान लिया और एस्टन फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए। जब चयन का समय आता है तो सनी, जिन्हें अक्सर पाकी कहा जाता है, को दरकिनार कर दिया जाता है। नाराज होकर वह साउथ हॉल क्लब में शामिल हो गया और वह और कप्तान शान अली खान, साथ ही कोच टोनी सिंह ने टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने सहित कई जीत दिलाई। हालांकि साउथ हॉल टीम गैटविक के खिलाफ खेलने का इरादा रखती है, इससे ठीक पहले उन्हें खबर मिलती है कि सनी एक फैंसी स्पोर्ट्स कार, 4 बेडरूम की हवेली, एक सुंदर हस्ताक्षर राशि और एक उदार साप्ताहिक भत्ता के बदले एक और अधिक प्रतिष्ठित क्लब में चली गई है। यह साउथ हॉल को अपना मैदान नगर परिषद के अध्यक्ष को सौंपने के लिए छोड़ देता है, जो इसे ध्वस्त करना चाहता है, और इसके स्थान पर एक शॉपिंग मॉल और थीम पार्क का निर्माण करना चाहता है। उनके कार्यों ने समुदाय को उनके विश्वासघात के लिए उन्हें बहिष्कृत करने और उनके साथ अवमानना और तिरस्कार के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि सनी को अंततः अपने पिता के हमले और साउथ हॉल के समर्थन की सच्चाई का पता चलता है। गहराई से चले गए उन्होंने अपने अनुबंध को अस्वीकार कर दिया और साउथ हॉल को एस्टन के खिलाफ फाइनल मैच जीतने में मदद करने के लिए वापस चले गए और खुद को अपने साथियों और समुदाय के लिए मनाया। फेंकना जॉन अब्राहम, सनी वसीम के रूप में डॉक्टर उमान के रूप में बिपाशा बसु, शान अली खान के रूप में अरशद वारसी, श्वेता के रूप में शेरनाज पटेल, कुशाल पंजाबी, रणवीर गोली, टोनी सिंह के रूप में बोमन ईरानी, जॉनी बख्शी के रूप में दलीप ताहिल, मोंटी सिंह के रूप में राजेंद्र नाथ जुत्सी, देवाशीष देवू के रूप में दीपेंदु भट्टाचार्य, सौरभ दुबे, जयदेव भसीन सनी के पिता, जुड़न अली खुद के रूप में, अर्थपेशवर फुटबॉलर के रूप में तौसीफ जहान, सना खान, मिल्लू रानी, गाने के लिए आइटम नंबर के रूप में साउथ हॉल यूनाइटेड, फुटबॉल फैन के रूप में अजय कल्याण सिंह,
गीत संगीत धन धना धन लक्ष्य स्टूडियो एल्बम द्वारा प्रीतम चक्रवर्ती मुक्त 24 अगस्त 2007 डिजिटल रिलीज 23 नवंबर 2007 पतली परत शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लिबर्टी सीरीज निर्माता रोनी स्क्रूवाला प्रीतम चक्रवर्ती कालक्रम लाइफ पेन ई मेट्रो 2007 धन धना धन लक्ष्य 2007 सिंग इज किंग 2008 फिल्म का साउंड ट्रैक अगस्त 2007 में जारी किया गया था। इसे india.fm.com पर 5 में से 3 रेटिंग दी गई। जावेद अख्तर के बोल स्वर्गीय उस्ताद श्री सलील चौधरी के पुत्र संजय चौधरी द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर गाना नंबर 1 बिल्लू रानी। इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा हैं। गाना नंबर 2 हल्ला बोल। इस गाने के गायकार दलेर मेहंदी हैं। गाना नंबर 3 ए दोस्त। इस गाने के गायकार देवरती हैं। गाना नंबर 4 इश्क का कलमा। इस गाने के गायकार नीरज श्रीधर हैं। गाना नंबर 5 तारा रू। इस गाने के गायकार जावेद हैं। गाना नंबर 6 बिल्लू रानी रिमिक्स। इस गाने के गायकार आनंद राजा आनंद और ऋचा शर्मा हैं। आलोचनात्मक स्वीकार्यता india.fm.com ने फिल्म को 5 में से 3 दिया, यह कहते हुए कि कुल मिलाकर धन धना धन लक्ष्य का पहला घंटा सामान्य है, लेकिन अंतराल के बाद के हिस्से विशेष रूप से उत्साहजनक और चरमोत्कर्ष सब कुछ के लिए बनाता है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गोल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। लक्ष्य 2007 हिंदी फिल्म। धन धना धन लक्ष्य अंग्रेजी गेट सेट गोल 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण रॉनी स्क्रूवाला ने किया है और यूटीवी मोशन पिक्चर्स के लिए विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित है। फिल्म में जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी और बोमन ईरानी हैं। फिल्म के साउंड ट्रैक को प्रीतम ने कंपोज किया है और बोल जावेद अख्तर के हैं। धन धना धन लक्ष्य यूके में दक्षिण एशियाई समुदाय की एक समकालीन काल्पनिक कहानी है। पेशेवर फुटबॉल के चश्मे के माध्यम से बताया। हालांकि इस कहानी की प्रेरणा पूर्व आर्सेनल और बार्सिलोना के दिग्गज जुड़न अली के संघर्षों पर आधारित थी, जो कि सिक्स उड़ान अंग्रेजी फुटबॉल में सेंध लगाने के प्रयास को नस्लवाद की गंभीर लहरों से अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसे उन्होंने एक किशोर के रूप में सहन किया था। 23 नवंबर 2007 को रिलीज होने पर फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर केवल मामूली रूप से सफल रही और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे औसत घोषित किया गया। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के कान फिल्म समारोह के टूसलेस सिनेमाज डू मोंडे विश्व सिनेमा खंड में किया गया था। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित, अनुराग कश्यप, रोहित मल्होत्रा, विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा निर्मित, रोनी स्क्रूवाला अभिनीत, जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी, शहनाज पटेल, जुड़न अली छायांकन, अत्तर सिंह सैनी द्वारा संपादित, हेमल कोठारी संगीत दिया है गाने प्रीतम, बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, उत्पादन कंपनियां एम फिल्म्स, यूटीवी मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित, यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 23 नवंबर 2007, कार्यकारी समय 167 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड जयदेव और कविता भसीन, साउथ हॉल इंग्लैंड में अपने बेटे सनी के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन शैली जीते हैं। 80 के दशक के मध्य के दौरान जयदेव अखिल एशियाई साउथ हॉल फुटबॉल क्लब का
बहुत बड़ा प्रशंसक था और उनकी टीम इतनी सफल रही कि इसने मुख्य धारा की कुकिशान टीमों का विरोध करने से घृणा पैदा की, जिन्होंने जयदेव और टीम के स्टार खिलाड़ी टोनी सिंह पर हमला किया। इसने टीम के अंत की बर्तनी की और फिर जमीन को शादियों और जन्मदिन पार्टियों के लिए किराए पर लिया गया। जयदेव चाहते थे कि सनी साउथ हॉल के लिए खेले, लेकिन सनी ने खुद को ब्रिटिश मान लिया और एस्टन फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए। जब चयन का समय आता है तो सनी, जिन्हें अक्सर पाकी कहा जाता है, को दरकिनार कर दिया जाता है। नाराज होकर वह साउथ हॉल क्लब में शामिल हो गया और वह और कप्तान शान अली खान, साथ ही कोच टोनी सिंह ने टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने सहित कई जीत दिलाई। हालांकि साउथ हॉल टीम गैटवी के खिलाफ खेलने का इरादा रखती है, इससे ठीक पहले उन्हें खबर मिलती है कि सनी एक फैंसी स्पोर्ट्स कार, 4 बेडरूम की हवेली, एक सुंदर हस्ताक्षर राशि और एक उदार साप्ताहिक भत्ता के बदले एक और अधिक प्रतिष्ठित क्लब में चली गई है। यह साउथ हॉल को अपना मैदान नगर परिषद के अध्यक्ष को सौंपने के लिए छोड़ देता है, जो इसे ध्वस्त करना चाहता है, और इसके स्थान पर एक शॉपिंग मॉल और थीम पार्क का निर्माण करना चाहता है। उनके कार्यों ने समुदाय को उनके विश्वासघात के लिए उन्हें बहिष्कृत करने और उनके साथ अवमानना और तिरस्कार के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि सनी को अंततः अपने पिता के हमले और साउथ हॉल के समर्थन की सच्चाई का पता चलता है। गहराई से चले गए उन्होंने अपने अनुबंध को अस्वीकार कर दिया और साउथ हॉल को एस्टन के खिलाफ फाइनल मैच जीतने में मदद करने के लिए वापस चले गए और खुद को अपने साथियों और समुदाय के लिए मनाया। फेकना जॉन अब्राहम सनी वसीम के रूप में, डॉक्टर उमान के रूप में बिपाशा बसु, शान अली खान के रूप में अरशद वारसी, श्वेता के रूप में शेरनाज पटेल, कुशाल पंजाबी, रणवीर गोली, टोनी सिंह के रूप में बोमन ईरानी, जॉनी बख्शी के रूप में दलीप ताहिल, मोंटी सिंह के रूप में राजेंद्र नाथ जुत्सी, देवाशीष देवू के रूप में दीपेंदु भट्टाचार्य, सौरभ दुबे, जयदेव भसीन सनी के पिता, जुड़न अली खुद के रूप में, अर्थपेशवर फुटबॉलर के रूप में तौसीफ जहान, सना खान, मिल्लू रानी, गाने के लिए आइटम नंबर के रूप में साउथ हॉल यूनाइटेड फुटबॉल फैन के रूप में अजय कल्याण सिंह, गीत संगीत धन 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 लक्ष्य स्टूडियो एल्बम द्वारा प्रीतम चक्रवर्ती, मुक्त 24 अगस्त 2007, डिजिटल रिलीज 23 नवंबर 2007, पतली परत शैली, पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लिबर्टी सीरीज, निर्माता रोनी स्क्रूवाला, प्रीतम चक्रवर्ती कालक्रम लाइफ पेन ई मेट्रो 2007, धन धना धन लक्ष्य 2007, सिंग इज किंग 2008। फिल्म का साउंड ट्रैक अगस्त 2007 में जारी किया गया था। इसे india.fm.com पर 5 में से 3 रेटिंग दी गई। जावेद अख्तर के बोल स्वर्गीय उस्ताद श्री सलील चौधरी के पुत्र संजय चौधरी द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर। गाना नंबर 1 बिल्लू रानी, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा हैं। गाना नंबर 2 हल्ला बोल, इस गाने के गायकार दलेर मेहंदी हैं। गाना नंबर 3 ए दोस्त, इस गाने के गायकार देवव्रति हैं। गाना नंबर 4 इश्क का कलमा, इस गाने के गायकार नीरज श्रीधर हैं। गाना नंबर 5 तारा रू, इस गाने के गायकार जावेद हैं। गाना नंबर 6 बिल्लू रानी रिमिक्स, इस गाने के गायकार आनंद राजा आनंद और ऋचा शर्मा हैं। आलोचनात्मक स्वीकार्यता, india.fm.com ने फिल्म को 5 में से 3 दिया, यह कहते हुए कि कुल मिलाकर धन धना धन लक्ष्य का पहला घंटा सामान्य है, लेकिन अंतराल के बाद के हिस्से विशेष रूप से उत्साहजनक और चरमोत्कर्ष सब कुछ के लिए बनाता है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गोल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे।
तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। लक्ष्य 2007 हिंदी फिल्म, धन धना धन लक्ष्य अंग्रेजी, कैट सेट गोल 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण रॉनी स्क्रूवाला ने किया है और यूटीवी मोशन पिक्चर्स के लिए विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित है। फिल्म में जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी और बोमन ईरानी हैं। फिल्म के साउंड ट्रैक को प्रीतम ने कंपोज़ किया है और बोल जावेद अख्तर के हैं। धन धना धन लक्ष्य यूके में दक्षिण एशियाई समुदाय की एक समकालीन काल्पनिक कहानी है। पेशवर फुटबॉल के चश्मे के माध्यम से बताया, हालांकि इस कहानी की प्रेरणा पूर्व आर्सेनल और बार्सिलोना के दिग्गज जुड़न अली के संघर्षों पर आधारित थी, जो कि सिक्स उड़ान अंग्रेजी फुटबॉल में सेंध लगाने के प्रयास को नस्लवाद की गंभीर लहरों से अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसे उन्होंने एक किशोर के रूप में सहन किया था। 23 नवंबर 2007 को रिलीज होने पर फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर केवल मामूली रूप से सफल रही और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे औसत घोषित किया गया। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के कान फिल्म समारोह के टूसलेस सिनेमाज डू मोंडे विश्व सिनेमा खंड में किया गया था। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित, अनुराग कश्यप, रोहित मल्होत्रा, विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा निर्मित, रोनी स्क्रूवाला अभिनीत, जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी, शहनाज पटेल, जुड़न अली, छायांकन अत्तर सिंह सैनी द्वारा संपादित, हेमल कोठारी, संगीत दिया है गाने प्रीतम, बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, उत्पादन कंपनियां एम फिल्म्स, यूटीवी मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित, यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 23 नवंबर 2007, कार्यकारी समय 167 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड जयदेव और कविता भसीन, साउथ हॉल इंग्लैंड में अपने बेटे सनी के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन शैली जीते हैं। 80 के दशक के मध्य के दौरान जयदेव अखिल एशियाई साउथ हॉल फुटबॉल क्लब का बहुत बड़ा प्रशंसक था और उनकी टीम इतनी सफल रही कि इसने मुख्य धारा की कोकिशियान टीमों का विरोध करने से घृणा पैदा की, जिन्होंने जयदेव और टीम के स्टार खिलाड़ी टोनी सिंह पर हमला किया। इसने टीम के अंत की बर्तनी की और फिर जमीन को शादियों और जन्मदिन पार्टियों के लिए किराए पर लिया गया। जयदीप चाहते थे कि सनी साउथ हॉल के लिए खेले, लेकिन सनी ने खुद को ब्रिटिश मान लिया और एस्टन फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए। जब चयन का समय आता है तो सनी, जिन्हें अक्सर पाकी कहा जाता है, को दरकिनार कर दिया जाता है। नाराज़ होकर वह साउथ हॉल क्लब में शामिल हो गया और वह और कप्तान शान अली खान, साथ ही कोच टोनी सिंह ने टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने सहित कई जीत दिलाई। हालांकि साउथ हॉल टीम गैटविक के खिलाफ खेलने का इरादा रखती है, इससे ठीक पहले उन्हें खबर मिलती है कि सनी एक फैंसी स्पोर्ट्स कार, 4 बेडरूम की हवेली, एक सुंदर हस्ताक्षर राशि और एक उदार साप्ताहिक वक्ता के बदले एक और अधिक प्रतिष्ठित क्लब में चली गई है। यह साउथ हॉल को अपना मैदान नगर परिषद के अध्यक्ष को सौंपने के लिए छोड़ देता है, जो इसे ध्वस्त करना चाहता है और इसके स्थान पर एक शॉपिंग मॉल और थीम पार्क का निर्माण करना चाहता है। उनके कार्यों ने समुदाय को उनके विश्वासघात के लिए उन्हें बहिष्कृत करने और उनके साथ अवमानना और तिरस्कार के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि सनी को अंततः अपने पिता के हमले और साउथ हॉल के समर्थन की सच्चाई का पता चलता है। गहराई से चले गए उन्होंने अपने अनुबंध को अस्वीकार कर दिया और साउथ हॉल को एस्टन के खिलाफ फाइनल मैच जीतने में मदद करने के लिए वापस चले गए और खुद को अपने साथियों और समुदाय के लिए मनाया। फेंकना जॉन अब्राहम, सनी वसीम के रूप में डॉक्टर ओमान के रूप में बिपाशा बसु, शान अली खान के रूप में अरशद वारसी, श्वेता के रूप में शेरनाज पटेल, कुशाल पंजाबी, रणवीर गोली,
टोनी सिंह के रूप में बोमन ईरानी, जॉनी बख्शी के रूप में दिलीप दाहिल, मोंटी सिंह के रूप में राजेंद्र नाथ जुत्सी, देवाशीष देवू के रूप में दीपेंदु भट्टाचार्य, सौरभ दुबे, जयदेव भसीन, सनी के पिता, जुड़ान अली खुद के रूप में अर्थ पेशवर फुटबॉलर के रूप में तौसीफ जहान, सना खान, बिल्लू रानी, गाने के लिए आइटम नंबर के रूप में साउथ हॉल यूनाइटेड फुटबॉल फैन के रूप में अजय कल्याण सिंह, गीत संगीत धन 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 लक्ष्य स्टूडियो एल्बम द्वारा प्रीतम चक्रवर्ती, मुक्त 24 अगस्त 2007, डिजिटल रिलीज 23 नवंबर 2007, पतली परत शैली, पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लिबर्टी सीरीज, निर्माता रोनी स्क्रूवाला, प्रीतम चक्रवर्ती कालक्रम लाइफ पेन ए मेट्रो 2007, धन धना धन लक्ष्य 2007, सिंग इज किंग 2008। फिल्म का साउंड ट्रैक अगस्त 2007 में जारी किया गया था। इसे इंडिया FM.com पर 5 में से 3 रेटिंग दी गई। जावेद अख्तर के बोल स्वर्गीय उस्ताद श्री सलील चौधरी के पुत्र संजय चौधरी द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर। गाना नंबर 1 बिल्लू रानी, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा हैं। गाना नंबर 2 हल्ला बोल, इस गाने के गायकार दलेर मेहंदी हैं। गाना नंबर 3 ए दोस्त, इस गाने के गायकार देवव्रति हैं। गाना नंबर 4 इश्क का कलमा, इस गाने के गायकार नीरज श्रीधर हैं। गाना नंबर 5 तारा रू, इस गाने के गायकार जावेद हैं। गाना नंबर 6 बिल्लू रानी रिमिक्स, इस गाने के गायकार आनंद राजा आनंद और ऋचा शर्मा हैं। आलोचनात्मक स्वीकार्यता, IndiaFM.com ने फिल्म को 5 में से 3 दिया, यह कहते हुए कि कुल मिलाकर धन धना धन लक्ष्य का पहला घंटा सामान्य है, लेकिन अंतराल के बाद के हिस्से विशेष रूप से उत्साहजनक और चरमोत्कर्ष सब कुछ के लिए बनाता है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गोल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। लक्ष्य 2007 हिंदी फिल्म, धन धना धन लक्ष्य अंग्रेजी गेट सेट गोल 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण रॉनी स्क्रूवाला ने किया है और यूटीवी मोशन पिक्चर्स के लिए विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित है। फिल्म में जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी और बोमन ईरानी हैं। फिल्म के साउंड ट्रैक को प्रीतम ने कंपोज किया है और बोल जावेद अख्तर के हैं। धन धना धन लक्ष्य यूके में दक्षिण एशियाई समुदाय की एक समकालीन काल्पनिक कहानी है, पेशेवर फुटबॉल के चश्मे के माध्यम से बताया। हालांकि इस कहानी की प्रेरणा पूर्व आर्सेनल और बार्सिलोना के दिग्गज जुड़ान अली के संघर्षों पर आधारित थी, जो कि सिख जुड़ान अंग्रेजी फुटबॉल में सेंध लगाने के प्रयास को नस्लवाद की गंभीर लहरों से अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसे उन्होंने एक किशोर के रूप में सहन किया था। 23 नवंबर 2007 को रिलीज होने पर फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर केवल मामूली रूप से सफल रही और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे औसत घोषित किया गया। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के कान फिल्म समारोह के टूसलेस सिनेमाज डू मोंडे विश्व सिनेमा खंड में किया गया था। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित, अनुराग कश्यप, रोहित मल्होत्रा, विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा निर्मित, रोनी स्क्रूवाला अभिनीत, जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी, शहनाज पटेल, जुड़ान अली, छायांकन अत्तर सिंह सैनी द्वारा संपादित, हेमल कोठारी, संगीत दिया है गाने प्रीतम, बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, उत्पादन कंपनियां एम फिल्म्स, यूटीवी मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित,
यूटीवी मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 23 नवंबर 2007। कार्यकारी समय 167 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड जयदेव और कविता भसीन। साउथ हॉल इंग्लैंड में अपने बेटे सनी के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन शैली जीते हैं। 80 के दशक के मध्य के दौरान जयदेव अखिल एशियाई साउथ हॉल फुटबॉल क्लब का बहुत बड़ा प्रशंसक था और उनकी टीम इतनी सफल रही कि इसने मुख्य धारा की कुकिशान टीमों का विरोध करने से घृणा पैदा की, जिन्होंने जयदेव और टीम के स्टार खिलाड़ी टोनी सिंह पर हमला किया। इसने टीम के अंत की बर्तनी की और फिर जमीन को शादियों और जन्मदिन पार्टियों के लिए किराए पर लिया गया। जयदेव चाहते थे कि सनी साउथ हॉल के लिए खेले, लेकिन सनी ने खुद को ब्रिटिश मान लिया और एस्टन फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए। जब चयन का समय आता है तो सनी, जिन्हें अक्सर पाकी कहा जाता है, को दरकिनार कर दिया जाता है। नाराज़ होकर वह साउथ हॉल क्लब में शामिल हो गया और वह और कप्तान शान अली खान, साथ ही कोच टोनी सिंह ने टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने सहित कई जीत दिलाई। हालांकि साउथ हॉल टीम गैटविक के खिलाफ खेलने का इरादा रखती है, इससे ठीक पहले उन्हें खबर मिलती है कि सनी एक फैंसी स्पोर्ट्स कार, 4 बेडरूम की हवेली, एक सुंदर हस्ताक्षर राशि और एक उदार साप्ताहिक वक्ता के बदले एक और अधिक प्रतिष्ठित क्लब में चली गई है। यह साउथ हॉल को अपना मैदान नगर परिषद के अध्यक्ष को सौंपने के लिए छोड़ देता है, जो इसे ध्वस्त करना चाहता है और इसके स्थान पर एक शॉपिंग मॉल और थीम पार्क का निर्माण करना चाहता है। उनके कार्यों ने समुदाय को उनके विश्वासघात के लिए उन्हें बहिष्कृत करने और उनके साथ अवमानना और तिरस्कार के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि सनी को अंततः अपने पिता के हमले और साउथ हॉल के समर्थन की सच्चाई का पता चलता है। गहराई से चले गए उन्होंने अपने अनुबंध को अस्वीकार कर दिया और साउथ हॉल को एस्टन के खिलाफ फाइनल मैच जीतने में मदद करने के लिए वापस चले गए और खुद को अपने साथियों और समुदाय के लिए मनाया। फेंकना जॉन अब्राहम, सनी वसीम के रूप में डॉक्टर उमान के रूप में बिपाशा बसु, शान अली खान के रूप में अरशद वारसी, श्वेता के रूप में शेरनाज पटेल, कुशाल पंजाबी, रणवीर गोली, टोनी सिंह के रूप में बोमन ईरानी, जॉनी बख्शी के रूप में दलीप दाहिल, मोंटी सिंह के रूप में राजेंद्र नाथ जुत्सी, देवाशीष देवू के रूप में दीपेंदु भट्टाचार्य, सौरभ दुबे, जयदेव भसीन, सनी के पिता जुड़न अली खुद के रूप में, अर्थपेशवर फुटबॉलर के रूप में तौसीफ जहान, सना खान, बिल्लो रानी, गाने के लिए आइटम नंबर के रूप में साउथ हॉल यूनाइटेड, फुटबॉल फैन के रूप में अजय कल्याण सिंह, गीत संगीत धन धन अधन लक्ष्य स्टूडियो एल्बम द्वारा प्रीतम चक्रवर्ती, मुक्त 24 अगस्त 2007, डिजिटल रिलीज 23 नवंबर 2007, पतली परत शैली, फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लिबर्टी सीरीज, निर्माता रोनी स्क्रूवाला, प्रीतम चक्रवर्ती कालक्रम लाइफ पेन ए मेट्रो 2007, धन धना धन लक्ष्य 2007, सिंग इज किंग 2008। फिल्म का साउंड ट्रैक अगस्त 2007 में जारी किया गया था। इसे india.fm.com पर 5 में से 3 रेटिंग दी गई। जावेद अख्तर के बोल स्वर्गीय उस्ताद श्री सलील चौधरी के पुत्र संजय चौधरी द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर। गाना नंबर 1 बिल्लो रानी, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा है। गाना नंबर 2 हल्ला बोल, इस गाने के गायकार दलेर मेहंदी हैं। गाना नंबर 3 ए दोस्त, इस गाने के गायकार देवव्रति हैं। गाना नंबर 4 इश्क का कलमा, इस गाने के गायकार नीरज श्रीधर हैं। गाना नंबर 5 तारा रू, इस गाने के गायकार जावेद हैं। गाना नंबर 6 बिल्लो रानी रिमिक्स, इस गाने के गायकार आनंद राजा आनंद और ऋचा शर्मा हैं। आलोचनात्मक स्वीकार्यता, india.fm.com ने फिल्म को 5 में से 3 दिया, यह कहते हुए कि कुल मिलाकर धन धना धन लक्ष्य का पहला घंटा सामान्य है, लेकिन अंतराल के बाद के हिस्से विशेष रूप से उत्साहजनक और चरमोत्कर्ष सब कुछ के लिए बनाता है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गोल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। लक्ष्य 2007 हिंदी फिल्म। धन धना धन लक्ष्य अंग्रेजी। गेट सेट गोल 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण रॉनी स्क्रूवाला ने किया है और यूटीवी मोशन पिक्चर्स के लिए विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित है। फिल्म में जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी और बोमन ईरानी हैं। फिल्म के साउंड ट्रैक को प्रीतम ने कंपोज किया है और बोल जावेद अख्तर के हैं। धन धना धन लक्ष्य यूके में दक्षिण एशियाई समुदाय की एक समकालीन काल्पनिक कहानी है। पेशवर फुटबॉल के चश्मे के माध्यम से बताया। हालांकि इस कहानी की प्रेरणा पूर्व आर्सेनल और बार्सिलोना के दिग्गज जुड़न अली के संघर्षों पर आधारित थी, जो कि सिक्स उड़ान अंग्रेजी फुटबॉल में सेंध लगाने के प्रयास को नस्लवाद की गंभीर लहरों से अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसे उन्होंने एक किशोर के रूप में सहन किया था। 23 नवंबर 2007 को रिलीज होने पर फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर केवल मामूली रूप से सफल रही और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे औसत घोषित किया गया। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के कान फिल्म समारोह के टूसलेस सिनेमाज डू मोंडे विश्व सिनेमा खंड में किया गया था। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित, अनुराग कश्यप, रोहित मल्होत्रा, विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा निर्मित, रोनी स्क्रूवाला अभिनीत, जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी, शहनाज पटेल, जुड़न अली, छायांकन अत्तर सिंह सैनी द्वारा संपादित, हेमल कोठारी, संगीत दिया है गाने प्रीतम, बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, उत्पादन कंपनियां एम फिल्म्स, यूटीवी मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित, यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 23 नवंबर 2007, कार्यकारी समय 167 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड जयदेव और कविता भसीन, साउथ हॉल इंग्लैंड में अपने बेटे सनी के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन शैली जीते हैं। 80 के दशक के मध्य के दौरान जयदेव अखिल एशियाई साउथ हॉल फुटबॉल क्लब का बहुत बड़ा प्रशंसक था और उनकी टीम इतनी सफल रही कि इसने मुख्य धारा की कुकिशान टीमों का विरोध करने से घृणा पैदा की, जिन्होंने जयदेव और टीम के स्टार खिलाड़ी टोनी सिंह पर हमला किया। इसने टीम के अंत की बर्तनी की और फिर जमीन को शादियों और जन्मदिन पार्टियों के लिए किराए पर लिया गया। जयदेव चाहते थे कि सनी साउथ हॉल के लिए खेले, लेकिन सनी ने खुद को ब्रिटिश मान लिया और एस्टन फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए। जब चयन का समय आता है तो सनी, जिन्हें अक्सर पाकी कहा जाता है, को दरकिनार कर दिया जाता है। नाराज होकर वह साउथ हॉल क्लब में शामिल हो गया और वह और कप्तान शान अली खान, साथ ही कोच टोनी सिंह ने टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने सहित कई जीत दिलाई। हालांकि साउथ हॉल टीम गेटविक के खिलाफ खेलने का इरादा रखती है, इससे ठीक पहले उन्हें खबर मिलती है कि सनी एक फैंसी स्पोर्ट्स कार, 4 बेडरूम की हवेली, एक सुंदर हस्ताक्षर राशि और एक उदार साप्ताहिक भत्ता के बदले एक और अधिक प्रतिष्ठित क्लब में चली गई है। यह साउथ हॉल को अपना मैदान नगर परिषद के अध्यक्ष को सौंपने के लिए छोड़ देता है, जो इसे ध्वस्त करना चाहता है और इसके स्थान पर एक शॉपिंग मॉल और थीम पार्क का निर्माण करना चाहता है। उनके कार्यों ने समुदाय को उनके विश्वासघात के लिए उन्हें बहिष्कृत करने और उनके साथ अवमानना और तिरस्कार के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि सनी को अंततः अपने पिता के हमले और साउथ हॉल के समर्थन की सच्चाई का पता चलता है। गहराई से चले गए उन्होंने अपने अनुबंध को अस्वीकार कर दिया और साउथ हॉल को एस्टन के खिलाफ फाइनल मैच जीतने में मदद करने के लिए वापस चले गए और खुद को अपने साथियों और समुदाय के लिए मनाया।
फेकना जॉन अब्राहम, सनी वसीम के रूप में डॉक्टर ओमान के रूप में बिपाशा बसु, शाहान अली खान के रूप में अरशद वारसी, श्वेता के रूप में शेरनाज पटेल, कुशाल पंजाबी रणवीर गोली, टोनी सिंह के रूप में बोमन ईरानी, जॉनी बख्शी के रूप में दलीप ताहिल, मोंटी सिंह के रूप में राजेंद्र नाथ जुत्सी, देवाशीष देवू के रूप में दीपेंदु भट्टाचार्य, सौरभ दुबे, जयदेव भसीन, सनी के पिता, जुड़न अली खुद के रूप में अर्थपेशवर, फुटबॉलर के रूप में तौसीफ जहान, सना खान, मिल्लो रानी, गाने के लिए आइटम नंबर के रूप में साउथ हॉल यूनाइटेड, फुटबॉल फैन के रूप में अजय कल्याण सिंह, गीत संगीत धन 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 लक्ष्य स्टूडियो एल्बम द्वारा प्रीतम चक्रवर्ती, मुक्त 24 अगस्त 2007, डिजिटल रिलीज 23 नवंबर 2007, पतली परत, शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लिबर्टी सीरीज, निर्माता रोनी स्क्रूवाला, प्रीतम चक्रवर्ती कालक्रम लाइफ एंड ई मेट्रो 2007, धन 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 लक्ष्य 2007, सिंग इज किंग 2008। फिल्म का साउंड ट्रैक अगस्त 2007 में जारी किया गया था। इसे इंडिया FM.com पर 5 में से 3 रेटिंग दी गई। जावेद अख्तर के बोल स्वर्गीय उस्ताद श्री सलील चौधरी के पुत्र संजय चौधरी द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर। गाना नंबर 1 बिल्लू रानी। इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा हैं। गाना नंबर 2 हल्ला बोल। इस गाने के गायकार दलेर मेहंदी हैं। गाना नंबर 3 ए दोस्त। इस गाने के गायकार देवरती हैं। गाना नंबर 4 इश्क का कलमा। इस गाने के गायकार नीरज श्रीधर हैं। गाना नंबर 5 तारा रू। इस गाने के गायकार जावेद हैं। गाना नंबर 6 बिल्लू रानी रिमिक्स। इस गाने के गायकार आनंद राजा आनंद और ऋचा शर्मा हैं। आलोचनात्मक स्वीकार्यता IndiaFM.com ने फिल्म को 5 में से 3 दिया, यह कहते हुए कि कुल मिलाकर धन धना धन लक्ष्य का पहला घंटा सामान्य है, लेकिन अंतराल के बाद के हिस्से विशेष रूप से उत्साहजनक और चरमोत्कर्ष सब कुछ के लिए बनाता है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गोल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। लक्ष्य 2007 हिंदी फिल्म। धन धना धन लक्ष्य अंग्रेजी गेट सेट गोल 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण रॉनी स्क्रूवाला ने किया है और यूटीवी मोशन पिक्चर्स के लिए विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित है। फिल्म में जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी और बोमन ईरानी हैं। फिल्म के साउंड ट्रैक को प्रीतम ने कंपोज किया है और बोल जावेद अख्तर के हैं। धन धना धन लक्ष्य यूके में दक्षिण एशियाई समुदाय की एक समकालीन काल्पनिक कहानी है। पेशवर फुटबॉल के चश्मे के माध्यम से बताया। हालांकि इस कहानी की प्रेरणा पूर्व आर्सेनल और बार्सिलोना के दिग्गज जुड़न अली के संघर्षों पर आधारित थी, जो कि सिक्स उड़ान अंग्रेजी फुटबॉल में सेंध लगाने के प्रयास को नस्लवाद की गंभीर लहरों से अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसे उन्होंने एक किशोर के रूप में सहन किया था। 23 नवंबर 2007 को रिलीज होने पर फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर केवल मामूली रूप से सफल रही और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे औसत घोषित किया गया। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के कान फिल्म समारोह के टूसलेस सिनेमाज डू मोंडे विश्व सिनेमा खंड में किया गया था। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित, अनुराग कश्यप, रोहित मल्होत्रा, विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा निर्मित, रोनी स्क्रूवाला अभिनीत, जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी, शहनाज पटेल, जुड़न अली छायांकन,
अत्तर सिंह सैनी द्वारा संपादित, हेमल कोठारी संगीत दिया है, गाने प्रीतम, बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, उत्पादन कंपनियां एम फिल्म्स, यूटीवी मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित, यूटीवी मोशन पिक्चर्स रिलीज की तारीख 23 नवंबर 2007, कार्यकारी समय 167 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड जयदेव और कविता भसीन, साउथ हॉल इंग्लैंड में अपने बेटे सनी के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन शैली जीते हैं। 80 के दशक के मध्य के दौरान जयदेव अखिल एशियाई साउथ हॉल फुटबॉल क्लब का बहुत बड़ा प्रशंसक था और उनकी टीम इतनी सफल रही कि इसने मुख्य धारा की कुकिशान टीमों का विरोध करने से घृणा पैदा की, जिन्होंने जयदेव और टीम के स्टार खिलाड़ी टोनी सिंह पर हमला किया। इसने टीम के अंत की बर्तनी की और फिर जमीन को शादियों और जन्मदिन पार्टियों के लिए किराए पर लिया गया। जयदेव चाहते थे कि सनी साउथ हॉल के लिए खेले, लेकिन सनी ने खुद को ब्रिटिश मान लिया और एस्टन फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए। जब चयन का समय आता है तो सनी, जिन्हें अक्सर पाकी कहा जाता है, को दरकिनार कर दिया जाता है। नाराज होकर वह साउथ हॉल क्लब में शामिल हो गया और वह और कप्तान शान अली खान, साथ ही कोच टोनी सिंह ने टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने सहित कई जीत दिलाई। हालांकि साउथ हॉल टीम गैटविक के खिलाफ खेलने का इरादा रखती है, इससे ठीक पहले उन्हें खबर मिलती है कि सनी एक फैंसी स्पोर्ट्स कार, 4 बेडरूम की हवेली, एक सुंदर हस्ताक्षर राशि और एक उदार साप्ताहिक भत्ता के बदले एक और अधिक प्रतिष्ठित क्लब में चली गई है। यह साउथ हॉल को अपना मैदान नगर परिषद के अध्यक्ष को सौंपने के लिए छोड़ देता है, जो इसे ध्वस्त करना चाहता है, और इसके स्थान पर एक शॉपिंग मॉल और थीम पार्क का निर्माण करना चाहता है। उनके कार्यों ने समुदाय को उनके विश्वासघात के लिए उन्हें बहिष्कृत करने और उनके साथ अवमानना और तिरस्कार के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि सनी को अंततः अपने पिता के हमले और साउथ हॉल के समर्थन की सच्चाई का पता चलता है। गहराई से चले गए उन्होंने अपने अनुबंध को अस्वीकार कर दिया और साउथ हॉल को एस्टन के खिलाफ फाइनल मैच जीतने में मदद करने के लिए वापस चले गए और खुद को अपने साथियों और समुदाय के लिए मनाया। फेकना जॉन अब्राहम सनी वसीम के रूप में, डॉक्टर उमान के रूप में बिपाशा बसु, शान अली खान के रूप में अरशद वारसी, श्वेता के रूप में शेरनाज पटेल, कुशाल पंजाबी, रणवीर गोली, टोनी सिंह के रूप में बोमन ईरानी, जॉनी बख्शी के रूप में दलीप ताहिल, मोंटी सिंह के रूप में राजेंद्र नाथ जुत्सी, देवाशीष देवू के रूप में दीपेंदु भट्टाचार्य, सौरभ दुबे, जयदेव भसीन सनी के पिता, जुड़न अली खुद के रूप में अर्थपेश्वर, फुटबॉलर के रूप में तौसीफ जहान, सना खान, बिल्लो रानी, गाने के लिए आइटम नंबर के रूप में साउथ हॉल यूनाइटेड, फुटबॉल फैन के रूप में अजय कल्याण सिंह, गीत संगीत धन 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 लक्ष्य स्टूडियो एल्बम द्वारा प्रीतम चक्रवर्ती, मुक्त 24 अगस्त 2007, डिजिटल रिलीज 23 नवंबर 2007, पतली परत शैली, फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लिबर्टी सीरीज, निर्माता रोनी स्क्रूवाला, प्रीतम चक्रवर्ती कालक्रम लाइफ एंड ई मेट्रो 2007, धन धना धन लक्ष्य 2007, सिंग इज किंग 2008। फिल्म का साउंड ट्रैक अगस्त 2007 में जारी किया गया था। इसे india.fm.com पर 5 में से 3 रेटिंग दी गई। जावेद अख्तर के बोल स्वर्गीय उस्ताद श्री सलील चौधरी के पुत्र संजय चौधरी द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर। गाना नंबर 1 बिल्लो रानी, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा हैं। गाना नंबर 2 हल्ला बोल, इस गाने के गायकार दलेर मेहंदी हैं। गाना नंबर 3 ए दोस्त, इस गाने के गायकार देवरती हैं। गाना नंबर 4 इश्क का कलमा, इस गाने के गायकार नीरज श्रीधर हैं। गाना नंबर 5 तारा रू, इस गाने के गायकार जावेद हैं। गाना नंबर 6 बिल्लो रानी रिमिक्स, इस गाने के गायकार आनंद राजा आनंद और ऋचा शर्मा हैं। आलोचनात्मक स्वीकार्यता, india.fm.com ने फिल्म को 5 में से 3 दिया, यह कहते हुए कि कुल मिलाकर धन धना धन लक्ष्य का पहला घंटा सामान्य है, लेकिन अंतराल के बाद के हिस्से विशेष रूप से उत्साहजनक और चरमोत्कर्ष सब कुछ के लिए बनाता है।
दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको गोल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। लक्ष्य 2007 हिंदी फिल्म। धन धना धन लक्ष्य अंग्रेजी गेट सेट गोल 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण रॉनी स्क्रूवाला ने किया है और यूटीवी मोशन पिक्चर्स के लिए विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित है। फिल्म में जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी और बोमन ईरानी हैं। फिल्म के साउंड ट्रैक को प्रीतम ने कंपोज किया है और बोल जावेद अख्तर के हैं। धन धना धन लक्ष्य यूके में दक्षिण एशियाई समुदाय की एक समकालीन काल्पनिक कहानी है। पेशेवर फुटबॉल के चश्मे के माध्यम से बताया। हालांकि इस कहानी की प्रेरणा पूर्व आर्सेनल और बार्सिलोना के दिग्गज जुड़न अली के संघर्षों पर आधारित थी, जो कि सिक्स उड़ान अंग्रेजी फुटबॉल में सेंध लगाने के प्रयास को नस्लवाद की गंभीर लहरों से अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसे उन्होंने एक किशोर के रूप में सहन किया था। 23 नवंबर 2007 को रिलीज होने पर फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर केवल मामूली रूप से सफल रही और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे औसत घोषित किया गया। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के कान फिल्म समारोह के टूसलेस सिनेमाज डू मोंडे विश्व सिनेमा खंड में किया गया था। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित, अनुराग कश्यप, रोहित मल्होत्रा, विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा निर्मित, रोनी स्क्रूवाला अभिनीत, जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी, शहनाज पटेल, जुड़न अली, छायांकन अत्तर सिंह सैनी द्वारा संपादित, हेमल कोठारी, संगीत दिया है गाने प्रीतम, बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, उत्पादन कंपनियां एम फिल्म्स, यूटीवी मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित, यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 23 नवंबर 2007, कार्यकारी समय 167 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड जयदेव और कविता भसीन, साउथ हॉल इंग्लैंड में अपने बेटे सनी के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन शैली जीते हैं। 80 के दशक के मध्य के दौरान जयदेव अखिल एशियाई साउथ हॉल फुटबॉल क्लब का बहुत बड़ा प्रशंसक था और उनकी टीम इतनी सफल रही कि इसने मुख्य धारा की कोकिशान टीमों का विरोध करने से घृणा पैदा की, जिन्होंने जयदेव और टीम के स्टार खिलाड़ी टोनी सिंह पर हमला किया। इसने टीम के अंत की बर्तनी की और फिर जमीन को शादियों और जन्मदिन पार्टियों के लिए किराए पर लिया गया। जयदेव चाहते थे कि सनी साउथ हॉल के लिए खेले, लेकिन सनी ने खुद को ब्रिटिश मान लिया और एस्टन फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए। जब चयन का समय आता है तो सनी, जिन्हें अक्सर पाकी कहा जाता है, को दरकिनार कर दिया जाता है। नाराज होकर वह साउथ हॉल क्लब में शामिल हो गया और वह और कप्तान शान अली खान, साथ ही कोच टोनी सिंह ने टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने सहित कई जीत दिलाई। हालांकि साउथ हॉल टीम गैटविक के खिलाफ खेलने का इरादा रखती है, इससे ठीक पहले उन्हें खबर मिलती है कि सनी एक फैंसी स्पोर्ट्स कार, 4 बेडरूम की हवेली, एक सुंदर हस्ताक्षर राशि और एक उदार साप्ताहिक भत्ता के बदले एक और अधिक प्रतिष्ठित क्लब में चली गई है। यह साउथ हॉल को अपना मैदान नगर परिषद के अध्यक्ष को सौंपने के लिए छोड़ देता है, जो इसे ध्वस्त करना चाहता है, और इसके स्थान पर एक शॉपिंग मॉल और थीम पार्क का निर्माण करना चाहता है। उनके कार्यों ने समुदाय को उनके विश्वासघात के लिए उन्हें बहिष्कृत करने और उनके साथ अवमानना और तिरस्कार के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया।
हालांकि सनी को अंततः अपने पिता के हमले और साउथ हॉल के समर्थन की सच्चाई का पता चलता है। गहराई से चले गए उन्होंने अपने अनुबंध को अस्वीकार कर दिया और साउथ हॉल को एस्टन के खिलाफ फाइनल मैच जीतने में मदद करने के लिए वापस चले गए और खुद को अपने साथियों और समुदाय के लिए मनाया। फेकना जॉन अब्राहम सनी वसीम के रूप में, डॉक्टर ओमान के रूप में बिपाशा बसु, शाहान अली खान के रूप में अरशद वारसी, श्वेता के रूप में शेरनाज पटेल, कुशाल पंजाबी रणवीर गोली, टोनी सिंह के रूप में बोमन ईरानी, जॉनी बख्शी के रूप में दलीप ताहिल, मोंटी सिंह के रूप में राजेंद्र नाथ जुत्सी, देवाशीष देवू के रूप में दीपेंदु भट्टाचार्य, सौरभ दुबे, जयदेव भसीन सनी के पिता, जुड़न अली खुद के रूप में अर्थपेश्वर, फुटबॉलर के रूप में तौसीफ जहान, सना खान मिल्लो रानी, गाने के लिए आइटम नंबर के रूप में साउथ हॉल यूनाइटेड, फुटबॉल फैन के रूप में अजय कल्याण सिंह, गीत संगीत धन 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 लक्ष्य स्टूडियो एल्बम द्वारा प्रीतम चक्रवर्ती, मुक्त 24 अगस्त 2007, डिजिटल रिलीज 23 नवंबर 2007, पतली परत शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लिबर्टी सीरीज, निर्माता रोनी स्क्रूवाला, प्रीतम चक्रवर्ती कालक्रम लाइफ एंड ई मेट्रो 2007, धन धना धन लक्ष्य 2007, सिंग इज किंग 2008। फिल्म का साउंड ट्रैक अगस्त 2007 में जारी किया गया था। इसे india.fm.com पर 5 में से 3 रेटिंग दी गई। जावेद अख्तर के बोल स्वर्गीय उस्ताद श्री सलील चौधरी के पुत्र संजय चौधरी द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर। गाना नंबर 1 बिल्लू रानी, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा हैं। गाना नंबर 2 हल्ला बोल, इस गाने के गायकार दलेर मेहंदी हैं। गाना नंबर 3 ए दोस्त, इस गाने के गायकार देवरती हैं। गाना नंबर 4 इश्क का कलमा, इस गाने के गायकार नीरज श्रीधर हैं। गाना नंबर 5 तारा रू, इस गाने के गायकार जावेद हैं। गाना नंबर 6 बिल्लू रानी रिमिक्स, इस गाने के गायकार आनंद राजा आनंद और ऋचा शर्मा हैं। आलोचनात्मक स्वीकार्यता, india.fm.com ने फिल्म को 5 में से 3 दिया, यह कहते हुए कि कुल मिलाकर धन धना धन लक्ष्य का पहला घंटा सामान्य है, लेकिन अंतराल के बाद के हिस्से विशेष रूप से उत्साहजनक और चरमोत्कर्ष सब कुछ के लिए बनाता है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गोल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। लक्ष्य 2007 हिंदी फिल्म, धन धना धन लक्ष्य अंग्रेजी गेट सेट गोल 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण रॉनी स्क्रूवाला ने किया है और यूटीवी मोशन पिक्चर्स के लिए विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित है। फिल्म में जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी और बोमन ईरानी हैं। फिल्म के साउंड ट्रैक को प्रीतम ने कंपोज किया है और बोल जावेद अख्तर के हैं। धन धना धन लक्ष्य यूके में दक्षिण एशियाई समुदाय की एक समकालीन काल्पनिक कहानी है। पेशेवर फुटबॉल के चश्मे के माध्यम से बताया, हालांकि इस कहानी की प्रेरणा पूर्व आर्सेनल और बार्सिलोना के दिग्गज जुड़न अली के संघर्षों पर आधारित थी, जो कि सिक्स उड़ान अंग्रेजी फुटबॉल में सेंध लगाने के प्रयास को नस्लवाद की गंभीर लहरों से अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसे उन्होंने एक किशोर के रूप में सहन किया था। 23 नवंबर 2007 को रिलीज होने पर फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर केवल मामूली रूप से सफल रही और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे औसत घोषित किया गया।
इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के कान फिल्म समारोह के टूसलेस सिनेमाज डू मोंडे विश्व सिनेमा खंड में किया गया था। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित, अनुराग कश्यप, रोहित मल्होत्रा, विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा निर्मित, रोनी स्क्रूवाला अभिनीत, जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी, शहनाज पटेल, जुड़न अली, छायांकन अत्तर सिंह सैनी द्वारा संपादित, हेमल कोठारी, संगीत दिया है गाने प्रीतम, बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, उत्पादन कंपनियां एम फिल्म्स, यूटीवी मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित, यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 23 नवंबर 2007, कार्यकारी समय 167 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड जयदेव और कविता भसीन, साउथ हॉल इंग्लैंड में अपने बेटे सनी के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन शैली जीते हैं। 80 के दशक के मध्य के दौरान जयदेव अखिल एशियाई साउथ हॉल फुटबॉल क्लब का बहुत बड़ा प्रशंसक था और उनकी टीम इतनी सफल रही कि इसने मुख्य धारा की कुकिशान टीमों का विरोध करने से घृणा पैदा की, जिन्होंने जयदेव और टीम के स्टार खिलाड़ी टोनी सिंह पर हमला किया। इसने टीम के अंत की बर्तनी की और फिर जमीन को शादियों और जन्मदिन पार्टियों के लिए किराए पर लिया गया। जयदेव चाहते थे कि सनी साउथ हॉल के लिए खेले, लेकिन सनी ने खुद को ब्रिटिश मान लिया और एस्टन फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए। जब चयन का समय आता है तो सनी, जिन्हें अक्सर पाकी कहा जाता है, को दरकिनार कर दिया जाता है। नाराज़ होकर वह साउथ हॉल क्लब में शामिल हो गया और वह और कप्तान शान अली खान, साथ ही कोच टोनी सिंह ने टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने सहित कई जीत दिलाई। हालांकि साउथ हॉल टीम गेटवे के खिलाफ खेलने का इरादा रखती है, इससे ठीक पहले उन्हें खबर मिलती है कि सनी एक फैंसी स्पोर्ट्स कार, 4 बेडरूम की हवेली, एक सुंदर हस्ताक्षर राशि और एक उदार साप्ताहिक भत्ता के बदले एक और अधिक प्रतिष्ठित क्लब में चली गई है। यह साउथ हॉल को अपना मैदान नगर परिषद के अध्यक्ष को सौंपने के लिए छोड़ देता है, जो इसे ध्वस्त करना चाहता है, और इसके स्थान पर एक शॉपिंग मॉल और थीम पार्क का निर्माण करना चाहता है। उनके कार्यों ने समुदाय को उनके विश्वासघात के लिए उन्हें बहिष्कृत करने और उनके साथ अवमानना और तिरस्कार के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि सनी को अंततः अपने पिता के हमले और साउथ हॉल के समर्थन की सच्चाई का पता चलता है। गहराई से चले गए उन्होंने अपने अनुबंध को अस्वीकार कर दिया और साउथ हॉल को एस्टन के खिलाफ फाइनल मैच जीतने में मदद करने के लिए वापस चले गए और खुद को अपने साथियों और समुदाय के लिए मनाया। फेंकना जॉन अब्राहम, सनी वसीम के रूप में डॉक्टर उमान के रूप में बिपाशा बसु, शान अली खान के रूप में अरशद वारसी, श्वेता के रूप में शेरनाज पटेल, कुशाल पंजाबी, रणवीर गोली, टोनी सिंह के रूप में बोमन ईरानी, जॉनी बख्शी के रूप में दलीप ताहिल, मोंटी सिंह के रूप में राजेंद्र नाथ जुत्सी, देवाशीष देवू के रूप में दीपेंदु भट्टाचार्य, सौरभ दुबे, जयदेव भसीन, सनी के पिता, जुड़न अली खुद के रूप में, अर्थपेशवर फुटबॉलर के रूप में तौसीफ जहान, सना खान, बिल्लू रानी, गाने के लिए आइटम नंबर के रूप में साउथ हॉल यूनाइटेड फुटबॉल फैन के रूप में अजय कल्याण सिंह, गीत संगीत धन 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 लक्ष्य स्टूडियो एल्बम द्वारा प्रीतम चक्रवर्ती, मुक्त 24 अगस्त 2007, डिजिटल रिलीज 23 नवंबर 2007, पतली परत शैली, फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लिबर्टी सीरीज, निर्माता रोनी स्क्रूवाला, प्रीतम चक्रवर्ती कालक्रम लाइफ पेन ए मेट्रो 2007, धन धना धन लक्ष्य 2007, सिंग इज किंग 2008। फिल्म का साउंड ट्रैक अगस्त 2007 में जारी किया गया था। इसे india.fm.com पर 5 में से 3 रेटिंग दी गई। जावेद अख्तर के बोल स्वर्गीय उस्ताद श्री सलील चौधरी के पुत्र संजय चौधरी द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर, गाना नंबर 1 बिल्लू रानी, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा हैं। गाना नंबर 2 हल्ला बोल, इस गाने के गायकार दलेर मेहंदी हैं। गाना नंबर 3 ए दोस्त, इस गाने के गायकार देवरती हैं। गाना नंबर 4 इश्क का कलमा, इस गाने के गायकार
नीरज श्रीधर हैं। गाना नंबर 5 तारा रू, इस गाने के गायकार जावेद हैं। गाना नंबर 6 बिल्लू रानी रिमिक्स, इस गाने के गायकार आनंद राजा आनंद और ऋचा शर्मा हैं। आलोचनात्मक स्वीकार्यता, indiafm.com ने फिल्म को 5 में से 3 दिया, यह कहते हुए कि कुल मिलाकर धन धना धन लक्ष्य का पहला घंटा सामान्य है, लेकिन अंतराल के बाद के हिस्से विशेष रूप से उत्साहजनक और चरमोत्कर्ष सब कुछ के लिए बनाता है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गोल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। लक्ष्य 2007 हिंदी फिल्म। धन धना धन लक्ष्य अंग्रेजी कैट सेट गोल 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण रॉनी स्क्रूवाला ने किया है और यू टीवी मोशन पिक्चर्स के लिए विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित है। फिल्म में जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी और बोमन ईरानी हैं। फिल्म के साउंड ट्रैक को प्रीतम ने कंपोज किया है और बोल जावेद अख्तर के हैं। धन धना धन लक्ष्य यूके में दक्षिण एशियाई समुदाय की एक समकालीन काल्पनिक कहानी है। पेशवर फुटबॉल के चश्मे के माध्यम से बताया, हालांकि इस कहानी की प्रेरणा पूर्व आर्सेनल और बार्सिलोना के दिग्गज जुड़न अली के संघर्षों पर आधारित थी, जो कि सिक्स उड़ान अंग्रेजी फुटबॉल में सेंध लगाने के प्रयास को नस्लवाद की गंभीर लहरों से अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसे उन्होंने एक किशोर के रूप में सहन किया था। 23 नवंबर 2007 को रिलीज होने पर फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर केवल मामूली रूप से सफल रही और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे औसत घोषित किया गया। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के कान फिल्म समारोह के टूसलेस सिनेमाज डू मोंडे विश्व सिनेमा खंड में किया गया था। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित, अनुराग कश्यप, रोहित मल्होत्रा, विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा निर्मित, रोनी स्क्रूवाला अभिनीत, जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी, शहनाज पटेल, जुड़न अली छायांकन, अत्तर सिंह सैनी द्वारा संपादित, हेमल कोठारी संगीत दिया है, गाने प्रीतम, बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, उत्पादन कंपनियां एम फिल्म्स, यू टीवी मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित, यू टीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 23 नवंबर 2007, कार्यकारी समय 167 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड जयदेव और कविता भसीन, साउथ हॉल इंग्लैंड में अपने बेटे सनी के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन शैली जीते हैं। 80 के दशक के मध्य के दौरान जयदेव अखिल एशियाई साउथ हॉल फुटबॉल क्लब का बहुत बड़ा प्रशंसक था और उनकी टीम इतनी सफल रही कि इसने मुख्य धारा की कोकिशियान टीमों का विरोध करने से घृणा पैदा की, जिन्होंने जयदेव और टीम के स्टार खिलाड़ी टोनी सिंह पर हमला किया। इसने टीम के अंत की बर्तनी की और फिर जमीन को शादियों और जन्मदिन पार्टियों के लिए किराए पर लिया गया। जयदीप चाहते थे कि सनी साउथ हॉल के लिए खेले, लेकिन सनी ने खुद को ब्रिटिश मान लिया और एस्टन फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए। जब चयन का समय आता है तो सनी, जिन्हें अक्सर पाकी कहा जाता है, को दरकिनार कर दिया जाता है। नाराज़ होकर वह साउथ हॉल क्लब में शामिल हो गया और वह और कप्तान शान अली खान, साथ ही कोच टोनी सिंह ने टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने सहित कई जीत दिलाई। हालांकि साउथ हॉल टीम गेटविक के खिलाफ खेलने का इरादा रखती है, इससे ठीक पहले उन्हें खबर मिलती है कि सनी एक फैंसी स्पोर्ट्स कार, 4 बेडरूम की हवेली, एक सुंदर हस्ताक्षर
राशि और एक उदार साप्ताहिक भत्ता के बदले एक और अधिक प्रतिष्ठित क्लब में चली गई है। यह साउथ हॉल को अपना मैदान नगर परिषद के अध्यक्ष को सौंपने के लिए छोड़ देता है, जो इसे ध्वस्त करना चाहता है और इसके स्थान पर एक शॉपिंग मॉल और थीम पार्क का निर्माण करना चाहता है। उनके कार्यों ने समुदाय को उनके विश्वासघात के लिए उन्हें बहिष्कृत करने और उनके साथ अवमानना और तिरस्कार के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि सनी को अंततः अपने पिता के हमले और साउथ हॉल के समर्थन की सच्चाई का पता चलता है। गहराई से चले गए उन्होंने अपने अनुबंध को अस्वीकार कर दिया और साउथ हॉल को एस्टन के खिलाफ फाइनल मैच जीतने में मदद करने के लिए वापस चले गए और खुद को अपने साथियों और समुदाय के लिए मनाया। फेकना जॉन अब्राहम सनी वसीम के रूप में, डॉक्टर उमान के रूप में बिपाशा बसु, शाहान अली खान के रूप में अरशद वारसी, श्वेता के रूप में शेरनाज पटेल, कुशाल पंजाबी रणवीर गोली, टोनी सिंह के रूप में बोमन ईरानी, जॉनी बख्शी के रूप में दलीप ताहिल, मोंटी सिंह के रूप में राजेंद्र नाथ जुत्सी, देवाशीष देवू के रूप में दीपेंदु भट्टाचार्य, सौरभ दुबे, जयदेव भसीन सनी के पिता, जुड़न अली खुद के रूप में अर्थपेशवर फुटबॉलर के रूप में तौसीफ जहान, सना खान बिल्लू रानी गाने के लिए आइटम नंबर के रूप में, साउथ हॉल यूनाइटेड फुटबॉल फैन के रूप में अजय कल्याण सिंह, गीत संगीत धन 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 लक्ष्य स्टूडियो एल्बम द्वारा प्रीतम चक्रवर्ती, मुक्त 24 अगस्त 2007, डिजिटल रिलीज 23 नवंबर 2007, पतली परत शैली पिक्चर फिल्म साउंड ट्रैक लिबर्टी सीरीज, निर्माता रोनी स्क्रूवाला, प्रीतम चक्रवर्ती कालक्रम लाइफ पेन ए मेट्रो 2007, धन धना धन लक्ष्य 2007, सिंग इज किंग 2008। फिल्म का साउंड ट्रैक अगस्त 2007 में जारी किया गया था। इसे इंडिया FM.com पर 5 में से 3 रेटिंग दी गई। जावेद अख्तर के बोल स्वर्गीय उस्ताद श्री सलील चौधरी के पुत्र संजय चौधरी द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर। गाना नंबर 1 बिल्लू रानी, इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा हैं। गाना नंबर 2 हल्ला बोल, इस गाने के गायकार दलेर मेहंदी हैं। गाना नंबर 3 ए दोस्त, इस गाने के गायकार देवव्रति हैं। गाना नंबर 4 इश्क का कलमा, इस गाने के गायकार नीरज श्रीधर हैं। गाना नंबर 5 तारा रू, इस गाने के गायकार जावेद हैं। गाना नंबर 6 बिल्लू रानी रिमिक्स, इस गाने के गायकार आनंद राजा आनंद और ऋचा शर्मा हैं। आलोचनात्मक स्वीकार्यता, IndiaFM.com ने फिल्म को 5 में से 3 दिया, यह कहते हुए कि कुल मिलाकर धन धना धन लक्ष्य का पहला घंटा सामान्य है, लेकिन अंतराल के बाद के हिस्से विशेष रूप से उत्साहजनक और चरमोत्कर्ष सब कुछ के लिए बनाता है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको गोल मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। लक्ष्य 2007 हिंदी फिल्म, धन धना धन लक्ष्य अंग्रेजी गेट सेट गोल 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण रॉनी स्क्रूवाला ने किया है और यूटीवी मोशन पिक्चर्स के लिए विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित है। फिल्म में जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी और बोमन ईरानी हैं। फिल्म के साउंड ट्रैक को प्रीतम ने कंपोज किया है और बोल जावेद अख्तर के हैं। धन धना धन लक्ष्य यूके में दक्षिण एशियाई समुदाय की एक समकालीन काल्पनिक कहानी है, पेशेवर फुटबॉल के चश्मे के माध्यम से बताया। हालांकि इस कहानी की प्रेरणा पूर्व आर्सेनल और बार्सिलोना के दिग्गज
जुड़न अली के संघर्षों पर आधारित थी, जो कि सिक्स उड़ान अंग्रेजी फुटबॉल में सेंध लगाने के प्रयास को नस्लवाद की गंभीर लहरों से अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसे उन्होंने एक किशोर के रूप में सहन किया था। 23 नवंबर 2007 को रिलीज होने पर फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर केवल मामूली रूप से सफल रही और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे औसत घोषित किया गया। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के कान फिल्म समारोह के टूसलेस सिनेमाज डू मोंडे विश्व सिनेमा खंड में किया गया था। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित, अनुराग कश्यप, रोहित मल्होत्रा, विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा निर्मित, रोनी स्क्रूवाला अभिनीत, जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु, अरशद वारसी, शहनाज पटेल, जुड़न अली, छायांकन अत्तर सिंह सैनी द्वारा संपादित, हेमल कोठारी, संगीत दिया है गाने प्रीतम, बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी, उत्पादन कंपनियां एम फिल्म्स, यूटीवी मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित, यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 23 नवंबर 2007, कार्यकारी समय 167 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड जयदेव और कविता भसीन, साउथ हॉल इंग्लैंड में अपने बेटे सनी के साथ एक मध्यम वर्गीय जीवन शैली जीते हैं। 80 के दशक के मध्य के दौरान जयदेव अखिल एशियाई साउथ हॉल फुटबॉल क्लब का बहुत बड़ा प्रशंसक था और उनकी टीम इतनी सफल रही कि इसने मुख्य धारा की कुकिशान टीमों का विरोध करने से घृणा पैदा की, जिन्होंने जयदेव और टीम के स्टार खिलाड़ी टोनी सिंह पर हमला किया। इसने टीम के अंत की बर्तनी की और फिर जमीन को शादियों और जन्मदिन पार्टियों के लिए किराए पर लिया गया। जयदेव चाहते थे कि सनी साउथ हॉल के लिए खेले, लेकिन सनी ने खुद को ब्रिटिश मान लिया और एस्टन फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए। जब चयन का समय आता है तो सनी, जिन्हें अक्सर पाकी कहा जाता है, को दरकिनार कर दिया जाता है। नाराज होकर वह साउथ हॉल क्लब में शामिल हो गया और वह और कप्तान शान अली खान, साथ ही कोच टोनी सिंह ने टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने सहित कई जीत दिलाई। हालांकि साउथ हॉल टीम गैटविक के खिलाफ खेलने का इरादा रखती है, इससे ठीक पहले उन्हें खबर मिलती है कि सनी एक फैंसी स्पोर्ट्स कार, 4 बेडरूम की हवेली, एक सुंदर हस्ताक्षर राशि और एक उदार साप्ताहिक वक्ता के बदले एक और अधिक प्रतिष्ठित क्लब में चली गई है। यह साउथ हॉल को अपना मैदान नगर परिषद के अध्यक्ष को सौंपने के लिए छोड़ देता है, जो इसे ध्वस्त करना चाहता है, और इसके स्थान पर एक शॉपिंग मॉल और थीम पार्क का निर्माण करना चाहता है। उनके कार्यों ने समुदाय को उनके विश्वासघात के लिए उन्हें बहिष्कृत करने और उनके साथ अवमानना और तिरस्कार के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि सनी को अंततः अपने पिता के हमले और साउथ हॉल के समर्थन की सच्चाई का पता चलता है। गहराई से चले गए उन्होंने अपने अनुबंध को अस्वीकार कर दिया और साउथ हॉल को एस्टन के खिलाफ फाइनल मैच जीतने में मदद करने के लिए वापस चले गए और खुद को अपने साथियों और समुदाय के लिए मनाया। फेंकना जॉन अब्राहम, सनी वसीम के रूप में डॉक्टर उमान के रूप में बिपाशा बसु, शान अली खान के रूप में अरशद वारसी, श्वेता के रूप में शेरनाज पटेल, कुशाल पंजाबी, रणवीर गोली, टोनी सिंह के रूप में बोमन ईरानी, जॉनी बख्शी के रूप में दलीप दाहिल, मोंटी सिंह के रूप में राजेंद्र नाथ जुत्सी, देवाशीष देवू के रूप में दीपेंदु भट्टाचार्य, सौरभ दुबे, जयदेव भसीन, सनी के पिता, जुड़न अली खुद के रूप में, अर्थपेशवर फुटबॉलर के रूप में तौसीफ जहान, सना खान, बिल्लो रानी, गाने के लिए आइटम नंबर के रूप में साउथ हॉल यूनाइटेड फुटबॉल फैन के रूप में अजय कल्याण सिंह, गीत संगीत धन 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 लक्ष्य स्टूडियो एल्बम द्वारा प्रीतम चक्रवर्ती, मुक्त 24 अगस्त 2007, डिजिटल रिलीज 23 नवंबर 2007, पतली परत शैली, फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लिबर्टी सीरीज, निर्माता रोनी स्क्रूवाला, प्रीतम चक्रवर्ती कालक्रम लाइफ पेन ई मेट्रो 2007, धन धना धन लक्ष्य 2007, सिंग इज किंग 2008। फिल्म का साउंड ट्रैक अगस्त 2007 में जारी किया गया था। इसे indiafm.com पर 5 में से 3 रेटिंग दी गई। जावेद अख्तर के बोल स्वर्गीय उस्ताद
श्री सलील चौधरी के पुत्र संजय चौधरी द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर। गाना नंबर एक बिल्लो रानी। इस गाने के गायकार आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा हैं। गाना नंबर दो हल्ला बोल। इस गाने के गायकार दलेर मेहंदी हैं। गाना नंबर तीन ए दोस्त। इस गाने के गायकार देवरती हैं। गाना नंबर चार इश्क का कलमा। इस गाने के गायकार नीरज श्रीधर हैं। गाना नंबर पाँच तारा रू। इस गाने के गायकार जावेद हैं। गाना नंबर छः बिल्लू रानी रिमिक्स। इस गाने के गायकार आनंद राजा आनंद और ऋचा शर्मा हैं। आलोचनात्मक स्वीकार्यता। indiafm.com ने फिल्म को 5 में से 3 दिया, यह कहते हुए कि कुल मिलाकर धन धना धन लक्ष्य का पहला घंटा सामान्य है, लेकिन अंतराल के बाद के हिस्से विशेष रूप से उत्साहजनक और चरमोत्कर्ष सब कुछ के लिए बनाता है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।